हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों फटाफट बताओ, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज की क्लास शुरू कर सके। फटाफट चैट में मेरे को जरा बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। लेट मी नो इन द कॉमेंट वेरी क्विकली। परफेक्ट सर, एवरीथिंग सीम्स ऑल राइट। ओके गाइस, चलो क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में। अपन लोग आज की क्लास में हम लोग एनएलपी एक्ट का पूरा रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। पूरा का पूरा डिटेल रिवीजन करेंगे एनएलपी एक्ट का। ये चैप्टर आप लोग लेके, क्योंकि क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया चैप्टर है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते देते चलना पड़ेगा। पर उसके अलावा जो भी आपके बेसिक चीज है, वो मैं आप लोगों को पूरे अच्छे स्पीड में रिविजन करवाने वाला हूँ। तो मेरी बात सुनना एकदम ध्यान से, पॉजिटिवली। इसको आज ही एलएलपी खत्म करके उठना, इसको और टालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरी बात सुनो, एलएलपी एक्ट जो है, ये आप लोगों का पहले बचपन का प्यार हुआ करता था, फाउंडेशन का प्यार हुआ करता था, अभी आपके बड़प्पन का प्यार हो गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। डे वन से फोर का वीडियो इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों आप लोग अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे शुभम सिंगल के चैनल पे, तो प्लेलिस्ट एक बना हुआ है लॉ का, जिसमें आपको पूरा डे वन से लेकर के आखिरी दिन तक का मिल जाएगा। और जब सारे रैपिड रिविजन खत्म हो जाएंगे, तो मैं उसको चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ताकि आप उसको चैप्टर वाइज देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब दोस्तों अगर आपको ये एलएलपी एक्ट के नोट्स चाहिए, तो सिर्फ एलएलपी एक्ट भर के फ्री नोट्स जो है अगर आपको चाहिए, अगर आप देख सकते हो, तो 10 पेज में जो पूरा एलएलपी एक्ट समराइज हुआ है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा शुभम सिंगल का, वहां पे आपको मिल जाएंगे। पर अगर आपको पूरा पूरा नोट्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अगेन नोट्स के लिंक्स मिलेंगे, जो बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे आप लोग उसको चाहो तो ऑर्डर करके उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से। एलएलपी एक्ट का रिविजन शुरू करते हैं सर। मेरे साथ साथ याद करते जाना चीजें सर। शुरू के 4-5 पेज जो है ना, वो बहुत बेसिक है, तो उसमें हम लोग अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे चल करके जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ये सारी चीजें आती है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी आता है, तो वहां के लिए हम अपना समय बचा के रखेंगे। तो दोस्तों ये एक्ट जो है, ये इनैक्ट हुआ था जनवरी 9 को। इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 7 जनवरी को, और ये आया था जनवरी 9, 2009 को। पर सर ये कब से एप्लीकेबल है, इसको एक्ट में नाम क्या लिखा हुआ है, 2008 लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें 81 सेक्शन है, जिसमें 4 शेड्यूल भी साथ साथ में दिया हुआ है। शेड्यूल कौन से 4 है सर? चारों शेड्यूल में आपको कोई खास काम नहीं है, पर पहला शेड्यूल बोलता है राइट ऑफ पार्टनर इन एलएलपी इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल अग्रीमेंट। मतलब एक तरीके से आपको एलएलपी के केस में एक तरीके से अग्रीमेंट बनाना जरूरी हो जाता है, पर अगर आपने फिर भी नहीं बनाया, तो उसमें आपके राइट्स और फॉर्मेलिटीज क्या होंगे, वो सारा शेड्यूल 1 में लिखा है। उसके बाद 2, 3, 4 क्या है, पहले तो फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट किया, उसके बाद प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया। उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। अब दोस्तों उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, तुम इधर देख के बताओ, एलएलपी की जरूरत क्या थी सर, जब ऑलरेडी कंपनीज थे, जब ऑलरेडी क्या था आपके फर्म से। सर एलएलपी इज बेसिकली एन अपग्रेड फॉर द फर्म। फर्म में प्रॉब्लम क्या थी, फर्म बनाते थे 4-5 पार्टनर्स मिल करके, पर फर्म और पार्टनर वर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों के बीच में लिमिट नहीं थी, मतलब फर्म की लायबिलिटी के लिए पार्टनर्स अनलिमिटेडली लायबल हो जाते थे। तो ये बेनिफिट, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला हमको एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, जो कंपनी नहीं है पर कंपनी के सारे गुण है उसमें, जो कंपनी नहीं है पर कंपनी के सारे गुण है। तो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में हमको कुछ लाना था, जिसका नाम हमने रखा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर क्या आप गेस करके बता सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? क्या सवाल है सर, इतना टफ। सर आपकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी वैसे तो लिमिटेड रहती है, पर कुछ केसेस में अनलिमिटेड भी हो सकती है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखना, जब भी एलएलपी की बात है ना, तो एलएलपी की लाइबिलिटी कितनी होती है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है। एलएलपी इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट। जितना उसका असेट है, उतने तक के वो पूरा पूरा लाइबल है। और पार्टनर्स कितने के लिए लाइबल है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना वादा किया है कि हम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लाएंगे, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सर एलएलपी के गुण बता दो भैया, क्या गुण है सर? सबसे पहला तो बीसी एक नंबर का, एलएलपी एक नंबर का, मतलब पहला नंबर में ये आता है कि एलएलपी एक बीसी है। सर एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा सर परपेचुअल सक्सेशन चलता जाएगा, चलता जाएगा। उसके बाद सर सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हुआ करता था। सर म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, एलएलपी अग्रीमेंट बनता है। ये एक एलएलपी की खासियत है कि अग्रीमेंट जरूर बनता है, पर सर लॉ में लिखा है इट मे मेक एन एलएलपी अग्रीमेंट। पर अगर तू मे करेगा, मतलब अगर तू नहीं करेगा, तो भैया तेरा फर्स्ट शेड्यूल है ना, वो तेरे को एक अग्रीमेंट का राइट्स एंड ड्यूटीज बता दिया, तो खत्म हो गया। बाय हुक और बाय क्रूक तेरा एलएलपी अग्रीमेंट होता ही होता है। सर कॉमन सील,
आपको कॉमन सील की जरूरत होती है क्या, मेरे को बताना जरा कमेंट पे। सर एक कंपनी को जैसे आपको पता है कॉमन सील ऑप्शनल है, क्या एलएलपी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल है कि होता ही होता है? उसके बाद सर लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ओनली, मतलब एक एलएलपी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। मतलब जैसे सेक्शन 8 कंपनी होती है ना, वैसे आप एलएलपी नहीं बना सकते। एलएलपी बना रहे हो इसका मतलब प्रॉफिट मोटिव मैंडेटरी है। सर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या है, ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। आप अपने आप को फर्म हो, प्राइवेट कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, आप अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके बाद सर ई फाइलिंग की बात करेंगे और फॉरेन एलएलपी की भी बात करेंगे। जैसे आपकी फॉरेन कंपनी होती है वैसे फॉरेन एलएलपी भी होती है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, म्यूचुअल एजेंसी को मैंने नीचे समझा रखा है कि ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन। आप एलएलपी के पार्टनर्स हो लेकिन एक दूसरे के लिए आप लायबल नहीं हो। मतलब मान लो आप, मैं और एक और रमेश, हम तीनों ने मिलकर अगर एक एलएलपी खोली तो हम तीनों एलएलपी के एजेंट है, हम लायबल है, पर आपस में एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है। जैसे आप याद करो पार्टनरशिप एक्ट जब आप पढ़ते थे तो वहां लिखा था कि अगर दूसरा पार्टनर कोई एक्ट करता है तो सारे पार्टनर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हो जाएंगे, पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। मेरे एक्ट के लिए एलएलपी लायबल है पर मेरे एक्ट के लिए कोई और पार्टनर लायबल नहीं है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। और सर लिमिटेड लायबिलिटी में आपको मैंने ऊपर ही लिख के बताया कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने अग्री किया है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, प्लीज मेरे साथ साथ उन डेफिनेशन को क्या करते चलिए, उनको याद करते चलिए। सर सबसे पहला डेफिनेशन है एड्रेस का, मेरे को बताना जरा चैट पे, प्लीज जरा चैट पे बताना एड्रेस का क्या मतलब है। सर एड्रेस मतलब जब तुमको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजना है इसको भेजोगे। सर जब बात होती है अगर पार्टनर्स की, तो भैया अगर पार्टनर एक इंडिविजुअल है तो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पे भेजो, जो भी उसका घर का एड्रेस है। पर अगर एक पार्टनर बीसी है तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजो। तो सर एड्रेस क्या हो गया, डिपेंड करता है पार्टनर क्या, इंडिविजुअल है तो रेजिडेंशियल एड्रेस, और अगर वो कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजोगे। अब सर सवाल ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, क्योंकि हम कंपनी एक्ट में तो पढ़े 2 क्लॉज 20 में, 2 क्लॉज 11 में कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंक्लूड्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पर यहां पे क्या है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब, ध्यान से सुनना, एलएलपी एक्ट पढ़ रहे, एलएलपी एक्ट कहता है बॉडी कॉर्पोरेट मींस ए कंपनी एंड इट इंक्लूड्स एन एलएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भैया फॉरेन कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट, अपने कंपनीज एक्ट के बॉडी कॉर्पोरेट को भी ले आया, कहता है एक कंपनी जो है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी इंडिया के बाहर है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिया की एलएलपी बाहर की एलएलपी सारे लोग बॉडी कॉर्पोरेट है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि तीन चीजें बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आती है। पहला सोल कॉर्पोरेशन सोल, सर जैसे इंडिया में 1% कंपनी होता है ना, वैसा तुम समझ लो कॉर्पोरेशन सोल नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलते फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलते, वो तो कंपनीज एक्ट में भी नहीं बोलते थे, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी, ये दोनों तो कंपनीज एक्ट में भी एक्सक्लूडेड थे। उसके अलावा बस इन्होंने ये बोला कॉर्पोरेशन सोल को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब कंपनी आएगा इंडिया के बाहर की कंपनी आएगी, एलएलपी इंडिया वाला आएगा, एलएलपी इंडिया के बाहर वाला आएगा, पर कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड नहीं आएगा। सर ये सारी चीजें आपकी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट से एक्सक्लूड हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, आपका फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, यहां पे थोड़ा अलग है। जनरली फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, पर यहां पे इन्होंने कह दिया कि अगर तेरा कंपनी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो तेरा फाइनेंशियल ईयर अगले साल जाएगा। सर कंपनीज एक्ट में कैसा होता था, सर अगर मैं आपको पूछूं, आप मेरे को बताओ 1 अक्टूबर 2024 की बनी हुई कंपनी का क्या होगा, 1 जनवरी 2024 की बनी हुई कंपनी का क्या होगा। अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करोगे तो मेरे को बताओ 1 अक्टूबर को बनी हुई कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2025, और 1 जनवरी 2025 ले लो इसको, 1 जनवरी 2025 को बनी हुई कंपनी का क्या होगा, 31 मार्च 2026। बट सर जब आप एलएलपी की बात करो ना, तो एलएलपी के केस में अगर कोई 30 सितंबर के बाद बना है तो उसी के लिए फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां पे 31 मार्च 2026 आएगा, दैट्स द डिफरेंस। और अगर आप बात करोगे ये वाला तो सेम ही रहेगा, 31 मार्च 2026 ही रहेगा। तो फर्क कहां पे पड़ा सर, ये वाले पीरियड में, मतलब 30 सितंबर के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर वाले पीरियड में फर्क पड़ा कंपनीज एक्ट में। अगले साल खत्म होता था फाइनेंशियल ईयर, आपके एलएलपी एक्ट में अगले के अगले साल खत्म होगा इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो आप देख सकते हो सर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है, पर अगर आप 30 सितंबर के बाद बने हो तो फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, दैट इज इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2024, तो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 15 अक्टूबर 24 से 31 मार्च होगा, ये मार्च होगा राजा, 31 मार्च 2026 होगा। अरे समझे क्या,
डिड यू अंडरस्टैंड येस और नो? यस सर, ये आपको समझा गया? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, बात करते हैं फॉरेन एलएलपी के बारे में। फॉरेन एलएलपी क्या होता है? मतलब सर एक एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनको रजिस्टर हुआ है बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बहुत सिंपल रखा इन्होंने, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, जैसे आपके स्मॉल फॉरेन कंपनी का होता था। सर एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? ये वो रिटर्न अग्रीमेंट होता है जो आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में। सर स्मॉल एलएलपी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एलएलपी मींस एन एलएलपी जिसका सर आपको पता है स्मॉल कंपनी कैसे डिफाइन होता है। स्मॉल कंपनी आता है पेड अप शेयर कैपिटल, यहां पेड अप शेयर कैपिटल की जगह आएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सर स्मॉल एलएलपी वो होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एंड टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी लेस देन 40 लाख नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ और सच अदर टर्म्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सर यहां पे फर्क बस ये है कि यहां पे इन्होंने कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। तो अभी के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? 25 लाख और उसके अलावा टर्नओवर क्या है? 40 लाख और उसके अलावा प्रेस्क्राइब कंडीशन मीट करते हो। मतलब सर अगर आपका आपको याद करना है 25-40 अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख है उससे कम है और अगर आपका टर्नओवर जो है 40 लाख है उससे कम है तो आपको क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आपको स्मॉल एलएलपी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे तुमको मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर ये वापस से देख लो क्या कहा मैंने, अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख है उससे कम है या अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है एंड अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है उससे कम है तो उस केस में आप स्मॉल कंपनी बन जाओगे। शर्त यह है आप अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस को मीट करते हो। सर बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है रजा? सेक्शन नंबर 4 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलू सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। जहां मैं बोलूंगा वहां देख लेंगे बट अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों पार्टनर्स की बात करते हैं, मेरे को बताओ कितने पार्टनर्स होंगे, कौन कौन बन सकता है? सर देखो सबसे बड़ी बात, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, पर ये तीन लोग नहीं बन सकते। पहला, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो। सर अनसाउंड माइंड मतलब आप पागल हो? सर आप पागल हो? मतलब मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मैंने बोला ओए पागल, तो क्या वो एलएलपी में पार्टनर बनने से डिस्क्वालीफाई हो गया क्या? नहीं सर, मेरे बोलने से नहीं होता, उसको बोलना पड़ेगा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट को। तो सर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। उसके बाद दूसरा, अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट है। सर इनसॉल्वेंट मतलब क्या? इनसॉल्वेंट मतलब क्या और अनडिस्चार्ज मतलब क्या? सर इनसॉल्वेंट का मतलब होता है वो एक बीमारी है। नहीं सर इनसॉल्वेंट नहीं, प्यार एक बीमारी है वो। अबे ये इनसॉल्वेंसी एक बीमारी है, कंपनी की बीमारी है, जहां पे उसको क्या होता है बेसिकली अगर उसके असेट्स कम है लाइबिलिटी ज्यादा है, उसके पास असेट्स कम है लाइबिलिटी ज्यादा है, तो इस बीमारी को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। अगर इस बीमारी को आपने सुधार दिया तो कंपनी आगे चल जाएगी, पर अगर ये बीमारी सुधार नहीं पाए तो कंपनी जो है वो बंद पड़ जाएगी। तो सर अगर आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है मतलब अभी तक आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप अभी भी अनडिस्चार्ज्ड है, तो उस केस में आप क्या कहलाओगे? आप उस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट, अगर आपने एप्लीकेशन दिया है टू बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट एंड सच एप्लीकेशन इज पेंडिंग। सर आज मेरा असेट अगर 5 करोड़ है और मेरी लाइबिलिटी 7 करोड़ है तो वो मेरे को पता है, पर अगर किसी ने एप्लीकेशन दे दिया कि शुभम सर जो है इंसॉल्वेंट है तुम जरा चेक करो, तो अगर उन्होंने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी मैं तभी से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। रिजल्ट बाद में चाहे जो भी है पर मैं डिस्क्वालीफाई तभी हो जाऊंगा जब मेरा एप्लीकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, एलएलपी में यूं तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका क्या बन सकता है? पार्टनर। पर मेरे राजा तीन लोग नहीं बन सकते, एक तो जिनका जो पागल नहीं है भैया, जिनका दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। हाँ तू पार्टनर मत बन, तू हमको क्या मतलब है, तू पार्टनर मत बन। दूसरा सर अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। तीसरा अगर आपने अप्लाई किया है टू बी एडजस्टेड इंसॉल्वेंट एंड सच एप्लीकेशन इज पेंडिंग। सर ये तीनों चीजें याद कर लेना। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या बॉडी क्या एचयूएफ बन सकता है पार्टनर? क्या एचयूएफ पार्टनर बन सकता है? दी आंसर इज नो, एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकता बिकॉज इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनर नहीं बन सकता। सर मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, क्या एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? क्या एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? सर देखो एलएलपी में दो ही लोग पार्टनर बन सकते हैं, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आता है क्या? हाँ बॉडी कॉर्पोरेट में आता है कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया। तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में आता है तो एलएलपी जो है वो पार्टनर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सर आपको मेरी बात समझी क्या? ये सर उसके बाद मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। सर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप लोगों का अगला पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द सेंस सर आपके सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? सर लॉ ने ये कहा कि मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। पर मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर आपको याद होगा सेक्शन 3 है आपके कंपनीज एक्ट का, तो उसी से रिलेट करना कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 से अगर कम हो गए
और उसके बाद भी आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो 6 महीने से ज्यादा, तो उसके लिए बाद आपके पार्टनर्स जो है पर्सनली लाइबल हो जाएंगे आप फॉर ऑल द बिजनेस दैट यू डिड आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद के सारे बिजनेस के लिए वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। सेम प्रोविजन आपके कंपनीज एक्ट में कहा था, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3A में था। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल 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 होता है। सर इंडिविजुअल तीन चीजें, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, सर दो इंडिविजुअल पार्टनर्स होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो इंडिविजुअल पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे और उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, मतलब सर इंडिया में रहता होगा। अब बताओ सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे डिफाइन करोगे? राजा रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब मोर देन इक्वल टू 120 डेज, जो 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रेसाइड करता है। सर अगर सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट रहे तो? सर अगर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट रहे पार्टनर्स तो डीपी कैसे असाइन करोगे? सर वो बॉडी कॉर्पोरेट ना किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेट करेंगे, जैसे कि अगर रिलायंस पार्टनर है तो रिलायंस नॉमिनेट करेगा मुकेश अंबानी को, और मुकेश अंबानी क्या बन जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। सर इफ ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, टू इंडिविजुअल पार्टनर्स और नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हो गए सर ये? नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। पर दोस्तों अगर आपका यहाँ पे फेलियर हो गया टू अपॉइंट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर तो आपको कितना फाइन लगेगा? 1000 रुपए का फाइन लगेगा, 10,000 रुपीज एंड 100 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर द LLP एंड 50,000 फॉर एवरी पार्टनर। हर एक पार्टनर के लिए 50,000 रुपए का 50,000 का क्या लगेगा सर? पेनल्टी लगेगा। अरे आप मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? आर यू एबल टू लिसन टू मी? हाँ जी बोलो सर, येस और नो? चलो सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर एक बात बताओ, इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अगर आपके इनकॉर्पोरेशन, अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा कौन सर? अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? तो वह बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, जैसे आप, मैं, दिशा पाटनी, मोनी रॉय। आगे बोलो सर आगे। ओए सर अगर हम चारों ने क्या बनाया, हम चारों ने अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई और हमने उसमें लिख दिया कि मैं और आप क्या बनेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, तो भैया हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे। पर राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, सेड दैट ईच पार्टनर, अगर हमने ये लिखा कि बारी बारी करके हम लोग सब करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, तो उस केस में बारी बारी करके हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। सर अब एक बात ध्यान से सुनना, अ पर्सन में पिकम और सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर द LLP अग्रीमेंट। LLP अग्रीमेंट के हिसाब से आप DP बन भी सकते हो और आप LLP अग्रीमेंट के हिसाब से DP से हट भी सकते हो, दोनों भी हो सकता है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरी पार्टनर अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर will give, have to give his prior consent, और सर ये जो भी डिटेल आपको मिला है ये 30 दिन के अंदर आप ROC को भेजोगे, मतलब सर आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको प्रायर कंसेंट देगा और आप उसको LLP क्या करेगा, उसको ROC को भेजेगा 30 डेज के अंदर। और अगर आपने नहीं भेजा ROC को तो आपको 5,000 रुपए और दिन का 100 रुपए लगेगा, मैक्सिमम 50,000 रुपए LLP के लिए और 25,000 रुपए डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, क्योंकि सर इसमें पेनल्टीज में आपको कुछ भी याद नहीं करवाने वाला, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, आप समझ लेना। पर सर उसके बाद मैंने क्या बोला, हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को DPIN लेना होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर डिन और DPIN एक बराबर काम करते हैं, अगर आपके पास डिन है तो DPIN की जरूरत नहीं है, DPIN है तो डिन की जरूरत नहीं है। डिन की जरूरत होती है डायरेक्टर बनने के लिए, DPIN की जरूरत है, DPIN की जरूरत होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए। पर अगर आपके पास डिन है तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बन सकते हो, अगर आपके पास DPIN है डायरेक्टर भी बन सकते हो, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है, आपको अप्लाई करना है आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा, सेक्शन 8 बात करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ DP के बारे में। सर वो कहता है लाइबिलिटीज ऑफ DP में ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स ऑफ LLP। LLP के सारे एक्ट्स के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका DP जिम्मेदार है, वरना जो भी पेनल्टी लगेगी ना उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। मतलब सर काम करने की जिम्मेदारी किस पे दे रखी है इन्होंने? इन्होंने काम करने की जिम्मेदारी DP पे दे रखी है। अरे मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? काम करने की जिम्मेदारी किस पे दे रखी है इन्होंने? DP पे दे रखी है कि DP ये काम तू कर ले, अगर तूने नहीं किया तो जो भी पेनल्टीज आएगी वो LLP पे, वो तेरे को पे करना पड़ेगा। सर बहुत बुरा प्रोविजन है ना? हाँ, पर इसलिए तो देखो DP बनाया है पागल, देखो इसकी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलती होगी। अब आगे मेरी बात सुनो सर, अगर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर का वेकेंसी हो गया, मतलब सर अगर उसने रिजाइन कर दिया, क्या कर दिया सर? रिजाइन, अगर उसने रिजाइन कर दिया या किसी भी कारण से वेकेट हो गया, अगर DP की डेथ हो गई, तो सर LLP को ना नया DP लाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। पर सर इफ एट एनी टाइम देर इज नो DP और ओनली 1 DP, हमने बोला था मिनिमम 2 DP चाहिए, पर अगर एक DP है या एक भी DP नहीं है तो ऑल द पार्टनर शेल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर याद रखना, अगर वैकेंसी हो गया, और सर याद समझो ये वैकेंसी जो हुआ है ना, ये वैकेंसी का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब ये एक तरह का कैजुअल वैकेंसी है, तो आप 1 महीने के अंदर नया बंदा लाओगे DP। पर अगर कभी भी ऐसा हुआ तुम्हारे एक भी DP नहीं है या DP एक ही है सिर्फ, तो जितने भी पार्टनर्स है ना सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। और कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हो गया तो 10,000 रुपया, दिन का 100 रुपया, LLP के लिए मैक्सिमम 1 लाख रुपया और पार्टनर के लिए 50,000 रुपया मैक्सिमम। सर समझे क्या आप मेरी बात?
डिड यू अंडरस्टैंड सर, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का पूरा पूरा टॉपिक हो गया अबाउट योर एलएलपी का बेसिक्स। अब सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के बारे में बात करते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना प्लीज दोस्तों। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के बारे में क्या बात करेंगे सर, पहले मैं ये बताओ, जैसे आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पढ़ोगे तो आपको चैप्टर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आना चाहिए। सर इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें तीन चीजें लिखी गई है। पहला सर आपको दो या दो से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए टू कैरी ऑन लाइफ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सर प्रॉफिट मोटिव होना एलएलपी में मैंडेटरी है, बिना प्रॉफिट मोटिव के आप एलएलपी नहीं बना सकते। तो दो या दो लोग से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, आप लॉफुल बिजनेस करोगे और प्रॉफिट मोटिव होगा। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि एक्ट का और रूल्स का सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है, और ये स्टेटमेंट कौन देगा, एडवोकेट सीएस हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी एंड वन ऑफ द सब्सक्राइबर। कोई भी एक सब्सक्राइबर देगा क्या कि हमने एक्ट का पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया, और फिर आप आरओसी के पास फाइल करोगे। सर कौन से वाले आरओसी के पास, जिस जहां पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड है उस आरओसी के पास फाइल करोगे। सर बेसिक से आपके चैप्टर नंबर टू का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद आप बिजनेस जो है प्रॉफिट मोटिव से करोगे। उसमें स्टेटमेंट डालना कि पूरे एक्ट का कंप्लायंस हो गया। सर ये कंपनीज एक्ट में भी आप डिक्लेरेशन देते थे, आप चाहो तो सेक्शन 7 रेफर कर सकते हो, वहां पे आप डिक्लेरेशन देते थे कि एक्ट का पूरा कंप्लायंस हो गया है। कौन देगा, एडवोकेट सीएस एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एलएलपी एंड उसके अलावा एक सब्सक्राइबर भी देगा। और तीसरा आप इसको आरओसी को फाइल करना, कौन से वाले जहां पे आपको सिचुएट होना है। अब दोस्तों इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बेसिक चीज और भी दे देना कि तेरा एलएलपी का नाम क्या होने वाला है, बिजनेस क्या होने वाला है, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर एंड डीपी एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सर ये तो बहुत बेसिक हो गया ना, आप अपना नेम क्या बिजनेस करोगे और एड्रेस क्या है, ये तीन तो आप दोगे, उसके अलावा हर एक पार्टनर का नाम और एड्रेस देना, और उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन देना। पर सर अगर किसी बंदे ने झूठ बोला या कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला जो उसको पता था सच नहीं है, झूठी तो हुआ ना सर, पर एक ही बात होती है सर, अगर उसने जानबूझ के झूठ बोला या उसने कोई सच ऐसा स्टेटमेंट बोला जो उसको सच लग नहीं रहा था, तो उस केस में मतलब हवे में बोल दिया, तो उसको 2 साल तक का जेल होगा भाई। देखो जेल तक आ गए ये लोग इतनी जल्दी, एंड साथ में तुमको फाइन लगेगा 10,000 से 5 लाख रुपए, 10,000 से 5 लाख रुपए। सर इनका 447 का फ्रॉड नहीं लिखा इन्होंने, कंपनीज एक्ट का 447 नहीं लिखा, इसलिए इन्होंने खुद से लिख दिया, झूठ बोलेगा अगर तो 2 साल का जेल होगा और 10,000 से 5 लाख रुपए का फाइन होगा। सर समझे क्या मेरी बात। उसके बाद लास्ट में मैंने लिख दिया एन एलएलपी कैन नॉट बी एन एनपीओ, आपका एक एलएलपी जो है वो एनपीओ नहीं हो सकता। सर आप समझे क्या मेरी बात। यस सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, कॉर्पोरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बाई रजिस्ट्रेशन, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। जैसे ही आप आरओसी के पास जाते हो तो आरओसी अभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, और जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे तो वो आपको इनकॉर्पोरेटेड मान लिया जाएगा। ऑन रिसीट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार शैल विद इन 14 डेज, कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर रजिस्टर करेगा डॉक्यूमेंट और उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर जब आपको सीओआई मिलेगा तब आप जन्म हो गए। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट को आरओसी साइन करेगा और अपना ऑफिशियल सील लगाएगा, और ये एक बार मिल गया ना तो कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने सारे कंप्लायंसेस कर लिए हैं। अब सर ये जो भी स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट एविडेंस होगा कि आपने सेक्शन 11 का पूरा कंप्लायंस कर लिया है। सर आप मेरी बात समझ रहे हो क्या, मतलब आप आरओसी के पास जाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 14 डेज के अंदर आरओसी आपको सीओआई दे देगा, बस इतनी सी बात है कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब सर पहले ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 में आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ, एलएलपी एक्ट में आपको सेक्शंस याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद बताओ सर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा। सर हर एक एलएलपी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चुनना होगा। क्या रोल है रजिस्टर्ड ऑफिस का, जहां पे आपके नोटिसेस और कम्युनिकेशन आएंगे। सर ये रिविजन में एक अजम्पशन जरूर है कि आपको कंपनीज एक्ट जो हमारा सीए इंटर का है वो पूरा अच्छे से आता है। अगर कंपनीज एक्ट आप नहीं आता और आप बोलोगे सर ये रजिस्टर्ड ऑफिस के बेसिक बेसिक प्रोविजन समझाओ, तो हमको रेगुलर क्लास पूरी जो है 10 घंटे की जहां पे हम नोट्स भी लिखते हैं वो अपने को करना पड़ेगा राजा, या एग्जाम ओरिएंटेड करना पड़ेगा। पर दोस्तों क्या कहा मैंने, आप एक तो नोटिसेस और कम्युनिकेशन जो है वो आपको रिसीव कर सको वैसा आरओ बनाना पड़ेगा। सर वहां पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, मान लो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्व करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट भेज दो, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दो, या किसी भी और मैनर में भेज दो, पर आप नोटिस भेज सकते हो। कल को मेरा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ तो मेरे को फाइल नोटिस टू आरओसी होगा। सर मेरे को आरओसी को बताना पड़ेगा कि भैया मेरा ना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है, तू जरा अपने रिकॉर्ड्स में चेंज कर ले। पर दोस्तों मेरे को आरओसी को बताना होगा। अब दोस्तों अगर मैंने नहीं बताया तो 500 रुपए दिन का पेनल्टी, अप टू 50,000 फॉर एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, दोनों के 50,000 तक की पेनल्टी लगेगी। क्या गलती करी सिर्फ मैंने, आरओ चेंज कर दिया और मैंने नहीं बताया। एक सेकंड रुको, तुम ये पढ़ो, मैं आया।
यस गाइस सुनो, सॉरी मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने, उसके बाद मैंने ये कहा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहा सर, अब आपने क्या कर लिया, रजिस्टर करवा लिया अपने आप को, अब आपने अपने आप को क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, आपने रजिस्टर करवा लिया, उसका इफेक्ट क्या होगा सर, अब आप एक पूरे बीसी बन गए, मतलब क्या आप सू कर सकते हो, कोई और आपको सू कर सकता है सर, आप सारे एक्ट कर सकते हो जो बॉडी कॉर्पोरेट करता है सर, आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो आप अपना एक कॉमन सील होल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा, बात करते हैं नेम क्लॉज के बारे में, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। नेम क्लॉज के बारे में क्या पॉइंट्स है सर, अगर आपको अपने नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा, या तो एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड लगाना पड़ेगा, पर सर आपका जो नाम है ना वो ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू क्लोजली रिजेंबल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलएलपी और अ कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या कहा मैंने, मैंने ये कहा कि सर एक तो आपके नाम के आगे एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी लगाओगे, चलो ये तो बढ़िया है, लेकिन सर अगर आपका जो नाम है इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू व्हाट, आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलएलपी, एग्जिस्टिंग कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये तीनों से भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए सर। दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू स्टडीड इन सेक्शन नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, वहां पे भी लिखता था कि जो नाम है इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, पर वहां एलएलपी से नहीं डरता था, पर एलएलपी एक्ट बोलता है भैया कंपनी के नाम भी चेक कर लेना, कहीं तू मान ले कंपनी बना रहा है, मैंने कंपनी बनाया मान लो जोमेटो एलएलपी, अरे नहीं बना सकता भाई, जोमेटो लिमिटेड नाम की कंपनी होगी ना, तो तू जोमेटो एलएलपी भी नहीं बना सकता। अब दोस्तों यहां पे जो मैंने अभी बताया आपको, वही चीज मैंने यहां नीचे लिख दी है। अब उसके बाद आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करते हैं, क्या आप अपना नाम रिजर्व करवा सकते हो। सर देखो, दो लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एक तो जो प्रपोज्ड एलएलपी है और एक जो एग्जिस्टिंग एलएलपी है जो अपना नाम चेंज करना चाहती है। तो आप एलएलपी को रजिस्टर्ड ऑफिस को फाइल कर, आरओसी को फाइल कर सकते हो, किसको फाइल करोगे सर, आप आरओसी को फाइल करोगे, इसको ठीक कर लेना प्लीज, अप्लाई टू आरओ नहीं है, अप्लाई टू आरओसी है सर, आपके नोट्स में आने वाले जो एडिशंस होंगे उसमें अपडेटेड होंगे, उसके लिए मैं नोट कर रहा हूं बस। पर आप किसको अप्लाई करोगे, आप आरओसी को अप्लाई करोगे और बोलोगे भैया प्लीज रिजर्वेशन कर दे तू सर, रिजर्वेशन करोगे, और उसके बाद अगर आरओसी, इफ आरओसी सैटिस्फाइड कि जो नाम तुम रिजर्व करवाना चाहते हो, मान लो मैंने एक बहुत यूनिक नाम सोचा, टोमेटो लिमिटेड, जोमेटो में मैटर नहीं, कॉपी वॉपी नहीं करते, टोमेटो लिमिटेड, तो भैया तुम्हारा नाम अगर आइडेंटिकल नहीं है और अनडिजायरेबल नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व कर देगा नाम फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, 3 महीने के लिए रिजर्व कर देगा। सर कंपनीज एक्ट में कहां आपका 20 दिन के लिए 60 दिन के लिए होता था, यहां बोले टेंशन ही नहीं है, 3 महीने के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा, ये नीचे मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों उसके बाद मैंने क्या कहा, आपका सेक्शन 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम, सर अगर दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू स्टडीड इन सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सर क्या लिखा है, अगर आपने अपना नाम जो रजिस्टर करवाया है वो इफ इट इज इनएडवर्टेंटली रजिस्टर्ड विद अ नेम व्हिच इज आइडेंटिकल टू और टू सिमिलर टू द नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अगर किसी और एलएलपी से मिलता जुलता नाम रजिस्टर्ड हो गया है या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, मान लो सर किसी ने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है रिलायंस का, मैंने गलती से नाम, मेरा नाम रजिस्टर हो गया रिलायंस जिसमें ए पहले आ गया, रिलायंस एलएलपी करके रजिस्टर हो गया, तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये नाम आइडेंटिकल है किसी एलएलपी के नाम से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से, तो क्या करेगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि 3 महीने के अंदर नाम चेंज करो, 3 महीने के अंदर नाम चेंज करो। और मान लो सर अगर प्रोप्राइटर का एप्लीकेशन, अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का केस है तो उसमें प्रोप्राइटर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा 3 साल के अंदर, पर उसके बाद एक बार आपने नाम चेंज कर दिया तो आरओसी को 15 दिन के अंदर इंटीमेट कर देना और 15 आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। पर दोस्तों अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, क्या करने में डिफॉल्ट कर दिया, कंप्लायंस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको खुद से एक नाम अलॉट कर देगा, आरओसी को बता देगा और आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कब होगा, ये अगर आपने खुद से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर डाला, खुद से अगर आपने नाम चेंज नहीं किया। सर एक आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, जब आपने सेक्शन 16 कंपनीज एक्ट का पढ़ा था ना, तो कंपनीज एक्ट में नाम चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सुओ मोटू भी कर सकता था या फिर एप्लीकेशन पे भी करता था, पर यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे सिर्फ एप्लीकेशन है मोस्टली, यहां पे कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुओ मोटो पावर नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन एप्लीकेशन बाय द अफेक्टेड एलएलपी और द ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर और अ कंपनी विल डायरेक्ट, मतलब यहां पे एप्लीकेशन की जरूरत है, सुओ मोटो पावर यहां पे क्या कर लिया गया है, सुओ मोटो पावर यहां पे छीन लिया गया है। अरे समझला का है तुला, तुला समझला का है, हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सर उसके बाद मैंने क्या बोला, नथिंग। उसके बाद एक बार अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम चेंज करके आपको नया नाम दे देगा, नया नाम आ गया तो उसके बाद आप अपना नाम चेंज कर सकते हो वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग विल प्रिवेंट द एलएलपी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम। अब दोस्तों उसके बाद याद रखना, अनलाइक सेक्शन 16 सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे सुओ मोटो पावर नहीं है। उसके बाद सर मैंने एलएलपी का एक शॉर्टकट बता दिया, एक समरी बता दिया है, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट क्या है, आप एप्लीकेंट हैज टू फाइल रन एलएलपी फॉर्म,
आप एक रन एलएलपी फॉर्म फाइल करोगे, रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम फॉर एलएलपी। उसके बाद आपको एक ई फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फिलिप, क्या फाइल करना पड़ेगा फिलिप, और उसके बाद सर आप एलएलपी अग्रीमेंट करोगे और उसको 30 डेज के अंदर फाइल करोगे। सर ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा जिसके थ्रू आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो। अरे समझे क्या मेरी बात? हाँ सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। अब बात करेंगे पार्टनर्स एंड रिलेशंस के बारे में। किसके बारे में? पार्टनर्स एंड रिलेशंस के बारे में क्या कहते हैं सर, प्लीज ध्यान से सुनते जाना। अभी वाले सारे पोर्शन इजी है, जब डिफिकल्ट वाला आएगा तब मैं आपको सामने से बता दूंगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनना। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कृतिका तिवारी। मोस्टली ऑलमोस्ट हर मेरे स्ट्रीम पे मैंने उनका नाम लिया है, बट द वे शी रिमेन्स एक्टिव इन द सेशन, इट इज हाईली अप्रिशिएटेड। आई नो सम अदर स्टूडेंट्स मे बी एक्टिव बाई जस्ट राइटिंग इन देयर ओन नोट्स और समथिंग और रीडिंग फ्रॉम देयर नोट्स, बट आई थिंक आई अप्रिशिएट दिस अ लॉट, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना सर, क्या कहा मैंने? पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस की बात करते हैं। सर एलिजिबिलिटी ऑफ अ पार्टनर क्या है, एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर क्या है? सर आप पार्टनर बनने के लिए कब एलिजिबल हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप इनकॉर्पोरेशन जब हो जाते हैं ना, तो हर उस इंसान जिसने सब्सक्राइब किया है वो पार्टनर्स बन जाता है एलएलपी अग्रीमेंट के थ्रू। सर पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप समझना जरूरी है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न बाय द एलएलपी अग्रीमेंट। कौन बताएगा सर आपका एलएलपी अग्रीमेंट बताएगा? एलएलपी अग्रीमेंट। उसमें कुछ भी अगर चेंजेस हुआ तो आप आरओसी को फाइल करोगे। और सर मेरी बात सुनना, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मेरा एलएलपी बना नहीं था और हमारे सारे पार्टनर्स ने मिलकर के क्या किया, कुछ अग्रीमेंट किया था, तो क्या एलएलपी बनने के बाद उस अग्रीमेंट को एलएलपी अग्रीमेंट बोल सकते हैं? सर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया था तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या उसको एलएलपी अग्रीमेंट बोल देंगे? सर बोलेंगे ओनली इफ इट इज रेटिफाइड बाई ऑल द मेंबर्स अपॉन इनकॉर्पोरेशन। क्या कहा मैंने? एनी अग्रीमेंट इन राइटिंग बिफोर इनकॉर्पोरेशन शैल बी वैलिड ओनली इफ रेटिफाइड बाई ऑल द मेंबर ऑल द पार्टनर्स, 100% पार्टनर्स का अप्रूवल जरूरी है। पर सर अगर आपका एलएलपी अग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल में जो अग्रीमेंट बना है वो एलएलपी अग्रीमेंट मान लिया जाएगा। तो रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स बेसिकली कैसे डिफाइन होता है सर? आपके एलएलपी अग्रीमेंट से डिफाइन होता है। और एलएलपी अग्रीमेंट बनाए तो चंगा, नहीं बनाए तो हम आपको फर्स्ट शेड्यूल दे देंगे, वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये बेसिकली बात करते हैं पूरे पूरे एलएलपी अग्रीमेंट के बारे में। तो सर मेरे को बताओ एलएलपी अग्रीमेंट मैंडेटरी है क्या? लोग कहते हैं एलएलपी अग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है। भाई मैंडेटरी है, तू बना ले, नहीं तो मैं बना दूंगा। कहने का मतलब ये तेरे को बनाना मैंडेटरी नहीं है, तू नहीं बनाएगा तो मैं बना दूंगा। पर एलएलपी अग्रीमेंट एक एलएलपी के लिए मैंडेटरी है सर, क्यों? वरना आपके एलएलपी और पार्टनर्स का राइट्स कैसे डिफाइन होगा, आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिफाइन होंगे भाई? तो एलएलपी अग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे कि आपका फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल, ये जरूरी है ना, कहां बताओगे वरना ये, ठीक है सर? उसके बाद मेरे को बताओ सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सर सेसेशन मतलब सीज हो रहा है। सर मेरे को बताओ सीज कैसे होगा? अब पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, तुमको पार्टनर नहीं रहना है तो आप क्या करोगे? सर या तो आप एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से हट जाओ, या तो आपने एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा था कि मैं सिर्फ तीन साल के लिए पार्टनर हूं, तो 3 साल बाद तुम्हारा सेसेशन हो जाएगा। पर अगर अग्रीमेंट नहीं है तो आप रेजिग्नेशन दे सकते हो सर, आप नोटिस दे सकते हो इन राइटिंग नॉट एक्सीडिंग 30 डेज टू एनी अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन। मतलब तुम दूसरे पार्टनर को अपना इरादा बता दो कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये हो गया रेजिग्नेशन नोटिस, ये हो गया एलएलपी अग्रीमेंट। तो दो तरीके हैं छोड़ के जाने का, एक हो गया एलएलपी अग्रीमेंट, दूसरा हो गया रेजिग्नेशन नोटिस। पर सर कुछ ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन भी है, मतलब ये 3 केसेस में तो तू घर चले ही जा भाई। पहला सर डेथ हो गई या डिसोल्यूशन हो गया एलएलपी का, डेथ हो गई पार्टनर की, हो भैया पार्टनर चला गया डेथ हो गई, तो वो तो छोड़ के जाएगा ही ना, अब थोड़ी काम करने आएगा, फट जाएगी तुम्हारी अगर काम करने आ गया, ठीक है? तो अगर पार्टनर की डेथ हो गई या एलएलपी डिसॉल्व हो गया, दूसरा अगर आप अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर हो गए, तीसरा अगर आप एडजस्ट टू बी इंसॉल्वेंट हो या डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट हो, या तो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है या आप डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट हो। सर जब आपने शुरू शुरू का पढ़ा था ना कौन से लोग पार्टनर नहीं बन सकते, हमने बोला सारे इंडिविजुअल और बीसी बन सकते हैं, बस 3 लोग नहीं बन सकते, वो 3 लोग सेकंड और थर्ड पॉइंट है यहाँ। और पहला पॉइंट इन्होंने ऐड किया कि अगर डेथ हो गई या फिर अगर आपका डिसोल्यूशन हो गया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि सीजर कैसे होता है, ऑटोमेटिक सीजर, या तो आपका एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से, या आप नोटिस दे दो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब 30 दिन का मैक्सिमम नोटिस देना है, और या फिर आप ये कर दो, या फिर आप क्या कर दो, या फिर आप यहाँ पे अपने 3 पॉइंट्स में कवर होते हो, तो आपका नेचुरल क्या हो जाएगा, नेचुरल आपका सीजर हो जाएगा। उसके बाद सर मेरी एक बात सुनो, अगर आपने आपका अगर सीजर हो गया, मतलब आपका आप पार्टनर नहीं रहे, पर उसके बाद भी आपको कुछ केसेस में पार्टनर माना जाएगा। क्या कहा मैंने? When a person has seized, the former partner is regarded as still being a partner. उसको फिर भी पार्टनर माना जाएगा, unless वो क्या नहीं कर देता, उसने नोटिस दे दिया that the person has a notice of the former partner has seized. मतलब क्या हुआ सर, आप समझो एबीसी ने मिलकर एलएलपी बनाया था, ठीक है? ये एलएलपी में से बी निकल करके चला गया, बी ने छोड़ दिया, फिर बी बाहर जाके क्या किया, इनके वेंडर के साथ डीलिंग कर लिया और वेंडर को एलएलपी के नाम पे माल खरीद के आ गया, 1 करोड़ का माल खरीदा बी ने और वो माल लेके भाग गया,
वेंडर जब एलएलपी से पेमेंट लेने आया तो एलएलपी बोल रहा है, अरे कैसी बातें कर रहे हैं वेंडर, तूने उसको माल क्यों बेचा, वो तो मेरा पार्टनर ही नहीं है। तो भैया इसको क्या सपना आएगा वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको नोटिस देना पड़ेगा कि मेरे सारे वेंडर्स, मेरे प्यारे स्टेक होल्डर्स, प्लीज नोटिस दैट बी हैज रिजाइंड और बी हैज बीन रिमूव्ड एंड ही इज नॉट एनी मोर अ पार्टनर। अगर आप इस तरह का नोटिस नहीं दोगे ना, तो जब तक नहीं देते तब तक वो पार्टनर माना जाएगा, मतलब यहां पे पार्टनर के एक्ट के लिए एलएलपी लायबल हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, या फिर आप आरओसी को इंटिमेट कर दो, नोटिस हैज बीन गिवन टू इज डिलीवर्ड टू द आरओसी। या तो आप क्या करो फॉर्मर, या तो आप क्या करो, आप वेंडर्स को नोटिस दे दो या आरओसी को बता दो, दोनों में से कुछ भी एक कर दो, वरना वही पार्टनर को कंटिन्यू किया है ऐसा माना जाएगा। सर सेसेशन डज नॉट डिस्चार्ज अ पार्टनर ऑफ एनी ऑब्लिगेशन इनकर्ड व्हेन ही वाज अ पार्टनर। सर मान लो आप 5 साल के लिए पार्टनर थे, उसके बाद छोड़ के चले गए, ये 5 साल में आपने अगर कोई टैक्स फ्रॉड किया है तो इसके लिए आप लायबल हो गए। माइंड माई वर्ड, यू विल बी लायबल फॉर दिस, बिकॉज इस समय पे आप पार्टनर थे, उसके बाद के लिए आप लायबल नहीं हो, पर उस समय के लिए आप लायबल हो। उसके बाद सर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, सर वेयर अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, द फॉर्मर पार्टनर और द पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर केस शेयर केस ऑफ द डेथ इन केस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी शैल बी एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी। मतलब क्या सर, अगर एक पार्टनर ने रिजाइन कर दिया, अगर एक पार्टनर ने क्या किया, अगर एक पार्टनर छोड़ के चला गया, अब क्या होगा, उसका जो फॉर्म में हिस्सा है कितना हिस्सा मिलेगा सर उसको, एक्चुअल पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन मेड एंड राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट। सर सीधी सी बात है ना यार, मैंने अगर 10 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया था और उसके बाद मैंने 5 साल काम किया जिसमें कंपनी एलएलपी ने कितना कमाया, 50 करोड़, मेरा शेयर कितना है उसमें 20%, तो मेरे को मेरे पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का 10 करोड़ वापस मिलेगा और ये जो प्रॉफिट का 10 करोड़ है ये अलग वापस मिलेगा, तो टोटल मेरे को 20 करोड़ मिलेगा। यही तो बात कह रहे हैं, एक तो आपका पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर, ये आपको मिलेगा या तो आपको या आपके लीगल हायर को मिलेगा, द फॉर्मर पार्टनर और एनी पर्सन एंटाइटल टू हिज शेयर इन द केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, उसको ये चीजें मिलेगी। सर उसके बाद ध्यान रखना, एक बार आप फॉर्मर पार्टनर हो जाते हो ना, मतलब अगर आप छोड़ के चले जाते हो, यू विल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफियर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। मतलब भले ही बाहर वालों के लिए चलो एक बार के आपको पार्टनर मान लेंगे जो हमने पॉइंट नंबर 3 में किया, पर आप हमारे मैनेजमेंट में और इंटरफियर नहीं कर सकते। सर ये थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया, ये किसके बारे में बात करते हैं, सेसेशन ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अब दोस्तों क्या क्या पॉइंट थे इसमें एक बार देख लो, सबसे पहला आप सीज कैसे हो गए, एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से या नोटिस के हिसाब से या नेचुरल रीजन से भी, जैसे कि डेथ हो गया, अनसाउंड माइंड के हो गए, या फिर इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज हो, या फिर एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसके अलावा अगर एक बार पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो बाहर वालों अभी भी पार्टनर माना जाएगा, अनलेस आप सब लोगों को एक नोटिस दे दो या फिर आप आरओसी को इंटिमेट कर दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, सेसेशन ऑफ पार्टनर से आप अपने पुराने ऑब्लिगेशन से नहीं बचते हो, और जब आपके सेसेशन हो जाता है तो आपको पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन मिलेगा और प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और पर आपका राइट टू इंटरफियर इन द मैनेजमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई भी चेंजेस इन पार्टनर हो रहा है, मान लो आपके पार्टनर बदल रहे, सर फर्म में सबसे बुरी बात क्या थी पता है, फर्म में अगर ये 3 लोग पार्टनर है और मान लो अगर ये छोड़ के चला गया, कौन ये छोड़ के चला गया, तो सर ये जो फर्म होती है ना इसको डिसॉल्व मान लिया जाता है, फर्म परपेचुअली कैरी नहीं हो पाती थी, पर अब ये छोड़ के जाए दूसरा कोई आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो एलएलपी शैल कंटिन्यू जैसे बिजनेस जैसे कंपनी कंटिन्यू करता है। तो ये भी एक एलएलपी और फॉर्म में फर्क है। अब मेरी बात सुनना, अगर आपके पार्टनर्स चेंज होते हैं तो आप क्या करोगे सर, आप 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करोगे ऑफ एनी चेंज इन एड्रेस और एनी चेंज इन नेम और एड्रेस विद इन 15 डेज। सर अगर ये पार्टनर का एड्रेस चेंज हो रहा है या नेम चेंज हो रहा है तो उसमें वो 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा। उसके अलावा सर फाइल अ नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज वेयर अ पर्सन सीजेस और बिकम्स अ पार्टनर और देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर। मतलब सर क्या हुआ, अगर एक पार्टनर का नेम और एड्रेस चेंज हो रहा है तो वो एलएलपी को बताएगा कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। अब एलएलपी जो है वो आरओसी को बताएगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। दो चीजें बताएगा, या तो नाम और एड्रेस चेंज हुआ है तो वो बता देना, या दूसरा अगर तेरा पार्टनर बिकम्स और सीजेस टू बिकम अ पार्टनर तो वो भी बता देना। सर ये जो पार्टनर है ये किसको इन्फॉर्म कर रहा है, एलएलपी को, और नीचे एलएलपी किसको इन्फॉर्म कर रहा है, आरओसी को। ध्यान रखना, पार्टनर जा रहे हैं 15 दिन के अंदर और एलएलपी जा रहे हैं 30 दिन के अंदर। उसके बाद सर मेरी बात सुनना, सच नोटिस फाइल्ड विद आरओसी शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड फीस। आपको जो बताया जाएगा उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे एंड इफ इट रिलेट्स टू इनकमिंग पार्टनर आप उसका कंसेंट लेकर के उसको फाइल करोगे। मतलब सर अगर एक नया पार्टनर आ रहा है तो आपको उसकी क्या जरूरत है, उसकी कंसेंट की जरूरत है। अरे समझे क्या, देखो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले प्रिस्क्राइब फॉर्म, डेजिग्नेटेड पार्टनर और उसके बाद उसके कंसेंट की जरूरत है, तभी जाके ये वैलिड माना जाएगा। और सर पेनल्टी है क्या, 10,000 रुपए पर एलएलपी और पार्टनर्स। और अगर उसके बाद मेरी बात सुनना, फॉर्मर पार्टनर में फाइल द अबव नोटिस विद आरओसी इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट। सर मान लो
पार्टनर ने अगर एलएलपी को रेजिग्नेशन दे दिया पर एलएलपी ने आगे आरओसी को नहीं दिया तो सर फॉर्मर पार्टनर सीधा खुद भी आरओसी के पास जा सकता है एंड देयर आफ्टर आरओसी शैल देयर आफ्टर ऑब्टेन कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सेसेशन। मतलब मान लो सर मैंने यहां से रिजाइन कर दिया इस एलएलपी से पर ये एलएलपी जाके आरओसी को बता ही नहीं रहे और ये एलएलपी जाके स्टेक होल्डर्स को भी नहीं बता रहे तो फंसा हुआ तो मैं हूं ना, तो मैं भी जाके आरओसी को बता सकता हूँ, आरओसी जाके एलएलपी से कंफर्मेशन लेगा और उसके बाद वो सेशन को रजिस्टर कर लेगा। सर ये पावर है फॉर्मर पार्टनर का, ही विल फाइल द अबव नोटिस इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट आरओसी दैट एलएलपी विल नॉट फाइल द सेम और आरओसी कंफर्मेशन लेके काट देगा। अगर एलएलपी ने कंफर्मेशन नहीं दिया 15 दिन के अंदर तो आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगा कि शुभम तो गए। तो अगर शुभम ने रिजाइन कर दिया एलएलपी ने नहीं बताया पर शुभम चला गया आरओसी के पास तो आरओसी जाएगा एनएलपी से कंफर्मेशन लेने, 15 दिन का समय देगा, 15 दिन में एनएलपी को जो बोलना है वो सुन लेगा पर 15 दिन तक अगर नहीं बोला तो आप ये शुभम की बात मान लेना और सेसेशन को रिकॉर्ड कर लेना। अरे मेरी बात समझे क्या आप? डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये आपका पूरा प्रोविजन था किस चीज का? ये सेसेशन का और उसके बाद के रजिस्ट्रेशन का। 24 में सेसेशन हो रहा है, 25 में आप जा रहे हो किसके पास? आप जा रहे हो अपने आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के, कि देख हमारा एक पार्टनर चला गया। पर अगर तुम नहीं जाओगे तो पार्टनर डायरेक्टली भी जा सकता है। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का? सर उसके बाद पार्टनर एज एन एजेंट, ध्यान रखना पार्टनर जो होता है वो एलएलपी का एजेंट होता है पर एक दूसरे के पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता है। सर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी की लायबिलिटी क्या होती है? सर मेरी बात ध्यान से सुनना, एलएलपी किस चीज के लिए लायबल होता है, किसके लिए नहीं लायबल होता है? एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ एन पार्टनर विच फॉर विच सच पार्टनर हैज नो अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी नहीं है इफ द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। मतलब मान लो सर अगर एलएलपी के बिहाफ में 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के एक्ट के लिए जनरली तो एलएलपी लायबल होता है पर अगर मान लो ये पार्टनर जो है रमेश इसने जो एक्ट किया उसकी अथॉरिटी नहीं थी तो एलएलपी लायबल नहीं है। या दूसरा सामने वाले बंदे को पता है कि अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो काम, या फिर मानता है कि पार्टनर नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं तो एलएलपी लायबल नहीं होगा। सर होता है ना एजेंट हु इज आउटसाइड वर्किंग आउटसाइड अथॉरिटी उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है, वैसे ही अगर आपका पार्टनर अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है या अगर सामने वाला जो पार्टनर के साथ डीलिंग कर रहा है उसको पता है कि इसकी अथॉरिटी नहीं है या वो तो इसको पार्टनर ही नहीं मानता है तो आपका एनएलपी लायबल नहीं है। पर सर मेरी बात सुनो, एनएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन फॉर रॉन्गफुल एंड एक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ द पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पार्टनर ने अगर किसी के साथ रॉन्गफुल एक्ट किया या कोई ओमिशन हुआ तो उसके लिए एनएलपी लायबल है। मतलब क्या सर? मान लो एनएलपी में ये पार्टनर प्रॉमिस करके आया था 15 दिन के अंदर मैं गुड्स पहुंचा दूंगा, माल पहुंचा दूंगा, नहीं पहुंचाया तो ओमिशन हो गया सर, तो उसके लिए एलएलपी लायबल हो जाएगा। सर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, माय बिजनेस इज माय बिजनेस एंड नन ऑफ योर बिजनेस। द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी, जितना भी असेट्स है उसमें से लायबिलिटी पे करेंगे। सर पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एलएलपी का लायबल नहीं होगा। सर उसके बाद पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? सर जो भी काम उसने गलत किया उसके लिए ही शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर ऑब्लिगेशन सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर। मतलब एलएलपी में कोई कांड हुआ और क्योंकि वो उस एलएलपी का पार्टनर है सिर्फ उस कारण से आप उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। पर सर अगर उसने खुद कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया है ना तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा लेकिन किसी और पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट या कमीशन के लिए लायबल नहीं होगा। मतलब मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं, सर ये 3 पार्टनर अगर है, ठीक है, ये 3 पार्टनर अगर है और इस बंदे ने अगर रॉन्गफुल एक्ट किया किसके साथ? बाहर वाले के साथ, मान लो मिस्टर मिस्टर सलमान के साथ अगर इन्होंने गलत किया तो सर सलमान किस पे केस कर सकते हैं? एलएलपी पे कर सकते हैं। वेरी गुड, एलएलपी किस से पैसा रिकवर करेगा? इस पार्टनर से रिकवर करेगा, बाकी पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है सर, और क्या, लॉजिकल है कि नहीं सर? समझे सर? अब समझो पार्टनरशिप बाई होल्डिंग आउट क्या होता है। सर पार्टनरशिप बाई होल्डिंग आउट मतलब क्या, अगर आपको यह समझना पड़ेगा पार्टनरशिप बाई होल्डिंग आउट मतलब मैं एक्चुअल में पार्टनर हूं या नहीं हूं मैं नहीं पता, उसकी हरकतों से सामने वाले को यह फीलिंग जा रही है कि मैं इस एलएलपी में पार्टनर हूं। तो मैंने अभी तक कोई शब्द नहीं बोले या बोले होंगे या फिर मैंने कुछ लिख के नहीं दिया या लिखा होगा, पर किसी भी तरीके से अगर मैं ये दिखा रहा हूं जैसे कि मैं एलएलपी में पार्टनर हूं। फॉर एग्जांपल सर एक फॉर्म है रमेश सुरेश एंड एसोसिएट, ये क्या है सर? रमेश सुरेश एंड एसोसिएट ये एक एलएलपी है। उस एलएलपी के ऑफिस में आए और वहां मैं बैठा हुआ मिला तुमको, तुम्हारे तुम बोले अरे शुभम सर आप यहां, तो आपको मेरे को देख के ऐसा लगा आप यहां रहते हैं? बोला हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे किया मैंने। बोला अच्छा आप भी यहां पे, तो तुमको क्या भाई बारी है कि मैं पार्टनर हूं? मैं पार्टनर हूं ये देख के तुमने क्या किया उस एसोसिएट को, मान लो 1 करोड़ का लोन दे दिया। सर हमारे पास 1 करोड़ रुपए होते तो आपका ये फालतू लेक्चर देख रहे होते क्या? हाँ, एलएलपी फेलएलपी पढ़ रहे होते क्या? 1 करोड़ होते जाते गोवा जाके आइश करते, हाँ ये सब क्या बातें कर रहे हो? ऐसा इमेजिनेशन भी आ रहा है, करो ना करो थोड़ा होएगा।
सर अगर आपने क्या कर दिया फर्म को, एलएलपी को क्या दिया 1 करोड़ का लोन, क्यों? क्योंकि मेरे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने ऐसा दिखाया जैसे कि मैं पार्टनर हूं, और कल को जब आप पैसा वापस मांगने आए तो एलएलपी वालों ने मना कर दिया। तो आपने बोला शुभम सर का है, उनको बुलाओ। बोले कौन शुभम सर? वो तो भाई आया था कुछ सामान खरीदने के लिए, खरीद के चला गया। बोले मोए 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 मोए। सर मोए मोए नहीं होगा आपका, यहाँ पे मैं होल्डिंग आउट की वजह से पार्टनर बन जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेर अ पर्सन हु बाई वर्ड स्पोकन और रिटन और बाई कंडक्ट, या तो मेरे शब्दों से जो मैंने लिखा है, बोला है, या जो मैंने लिखा है, मतलब मान लो मैं बैठा हुआ एक चेयर में, सामने लिखा है सीए शुभम सिंघल पार्टनर एलएलपी, क्लियरली लिखा है तू पार्टनर है, या फिर भाई कंडक्ट मेरी हरकतों से अगर मैं क्या दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, या तो मैं अपने आप को पार्टनर दिखाता हूं, एंड देन सच पर्सन शैल बी लायबल टू एनी पर्सन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। कोई भी इंसान जिसने उस रिप्रेजेंटेशन के भरोसे पे एलएलपी को क्रेडिट दिया है, उसके लिए मैं क्या बन जाऊंगा, लायबल हो जाऊंगा, उसके लिए मैं भी लायबल हो जाऊंगा। हाउएवर द एलएलपी जिसको पैसे मिले हैं वो तो लायबल होगा ही होगा, पैसा तो तूने एलएलपी को दिया ना 1 करोड़, तो एलएलपी तो लायबल है ही है, साथ में मैं भी लायबल हो जाऊंगा। ठीक है सर, समझे आप मेरी बात? सर ये क्या हो गया, लायबिलिटी बाई होल्डिंग आउट, क्योंकि मैं ऐसा दिखा रहा हूं जैसे कि मेरी फॉर्म है। बस एक बात समझो, अगर एक एक एलएलपी है हल्दीराम्स, हल्दीराम मान लो एक लड़के एक आदमी का नाम था हल्दीराम्स एलएलपी। अब सर हल्दीराम जो आदमी का नाम था वो गयो, वो अगर गए हो तो बचे हुए लोग जो है उसका वो एलएलपी चला रहे। कल को तुम ये थोड़ी बोल सकते हो, अरे मेरे को तो लगा एलएलपी में हल्दीराम भाई पार्टनर है, अरे हल्दीराम भाई गए ना, तू पार्टनर बोल भी देगा तो ऊपर के पैसा रिकवर करके लाएगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए लॉ ने ये बोला, वेयर बाय अ पर्सन डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम नेम एंड सेम नेम शेल नॉट बी बाई इटसेल्फ मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज स्टेट लायबल। तुम कल को ये नहीं बोल सकते अगर हल्दीराम एलएलपी ने आपका नुकसान किया तो आप हल्दीराम भाई के बेटे को या उसके स्टेट से पैसा नहीं निकलवा सकते, उसका नाम तो कंटिन्यू होगा ना। अब वो गया तो उसकी लाइबिलिटी उसके साथ साथ चले गई, ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया। अरे समझे क्या तुम? अरे मेरी बात समझे क्या? जिनको जिनको ये मीम समझ आया लाइक करो पहले तो। ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। वेलकम एवरीबॉडी, कम वेलकम। सर सुन रहे हो क्या तुम मेरी बात? हाँ बहुत लंबा चैप्टर है सर, मेरी बात सुन रहे हो क्या? बहुत लंबा चैप्टर है, मेरी बात सुनते जाओ बस, आराम से सारा खत्म हो जाएगा। सर अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा एलएलपी के बारे में, उसके बाद मैं बता रहा हूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। द हेडिंग इटसेल्फ इज वेरी क्लियर सर, अगर एक एलएलपी या उसका पार्टनर किसी को फ्रॉड करने के इरादे से, वेयर एन एक्ट इज कैरिड आउट विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड एनी क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन, देन द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द रिस्पॉन्सिबल पार्टनर शैल बी अनलिमिटेड। मतलब तुम पर्सनली लाइबल हो जाओगे, मतलब अगर तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो इसमें तेरा घर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा सर, एवरी पर्सन हु इज नोइंगली इन्वॉल्व शेल बी लाइबल फॉर एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन 5,000 rupees से 5 lakh rupees तक का फाइन लगेगा। कितना लगेगा सर? 5,000 rupees से 5 lakh का फाइन लगेगा। सर फ्रॉड के केस में भी फाइन देखो कितना कम है, बट जेल देखो 5 साल तक का भेज रहे। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा सर, अगर कोई भी एलएलपी पार्टनर या एम्प्लॉय कंडक्ट करता है बिजनेस इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, मतलब वो क्या कर रहे हैं मतलब जो एलएलपी का बिजनेस है वही अगर फ्रॉडलेंट मैनर में कंडक्ट कर रहे हैं, देन उनको कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा जिसका नुकसान हुआ है। मान लो मैंने फ्रॉड करके सामने वाले का धोखा, सामने वाले से पैसा लूट लिया, तो वो पैसा भी हमको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा। लेकिन सर एलएलपी लायबल नहीं होगा अगर बंदे ने बिना एलएलपी के नॉलेज के काम किया। मतलब इन्होंने एलएलपी को माफी दे दी, बोले जनरली एलएलपी भी लायबल होता है, पर अगर पार्टनर ने बिना नॉलेज के काम किया या एम्प्लॉय ने एलएलपी के नॉलेज के बिना काम किया तो उस केस में एलएलपी लायबल नहीं होगा। मतलब सर बेसिक बात ये कहना चाहता है, अगर तुम फ्रॉड कर रहे हो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, 5 साल के लिए जेल जा सकते हो, फाइन देना पड़ेगा साथ साथ में 5,000 से 5 लाख, और उसके साथ साथ सामने वाले का जो नुकसान हुआ है वो कॉम्पेंसेट करके भी देना पड़ेगा। पर अगर एलएलपी को नहीं पता था तो एलएलपी लायबल नहीं होगा। समझे? Did you understand, sir? Yes. आगे मेरी बात ध्यान से सुनते जाना सर, मैंने क्या कहा विसल ब्लोइंग के बारे में कहा। विसल ब्लोइंग के बारे में क्या कहते हैं सर? विसल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाना। हाँ सर, किसी लोगों की सीटी बजाना। सुनो मेरी बात सर, अगर समझो आप और मैं पार्टनर है, आप और मैं पार्टनर है और हमने स्कैम 1992 किया था, आप और मैं पार्टनर है, पर मेरे को पकड़ के ये लोग लेके जाएंगे, बोलेंगे शुभम अगर तू मेरे को दूसरे बंदे के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा ना तो तेरी जेल कम कर दूंगा, तेरी पेनल्टी कम कर दूंगा। सर ये जो रिश्वत ये लोग देते हैं, ये रिश्वत देने की पावर कहां से आती है? सेक्शन 31 से आता है, जो कहता है कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो है दे में रिड्यूस और वेव द पेनल्टी, तुम्हारी पेनल्टी कम भी कर सकते हैं या पूरी खत्म भी कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉई इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट, अगर तुम उनके खबरी बन जाओगे। कैसे? इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट पहला ही हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मैंने ऐसी खबर दी जो उसको नहीं पता थी
और व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम लीड्स टू एलएलपी और एनी पार्टनर बीइंग कन्विक्टेड, मेरे इंफॉर्मेशन देने के वजह से ही तुम हर्षद को पकड़ पाए हो, हर्षद मेहता को जेल में डाल पाए हो, तो मेरी पेनल्टी कम भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है। सर ये पावर क्या है कोर्ट और ट्राइब्यूनल का, मेरी पेनल्टी कम करने का या वेव करने का, अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन में उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जिसकी वजह से एलएलपी पार्टनर या उसका एम्प्लॉय क्या है कन्विक्ट है, सर ये सरकार का दिया हुआ लीगल रिश्वत है, सरकार का दिया हुआ लीगल रिश्वत है। पर एक बात ध्यान से सुनना, नो पार्टनर और एम्प्लॉई में भी उसके बाद सर अगर मान लो मैं एम्प्लॉई था एलएलपी का, मैंने खबर दे दिया तो उसके बाद मेरे को तो निकाल देंगे, पर इन्होंने अपनी कोशिश करी कि पार्टनर और एम्प्लॉई में भी डिस्चार्ज, सस्पेंडेड, डिमोटेड, थ्रेटेंड और हरास्ड, इनके लिखने से क्या होता है, पर इन्होंने बोला ये सब मत करना मियरली बिकॉज ही प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कोर्ट और ट्राइब्यूनल को ये सब किया तो इसलिए आप हरास नहीं कर सकते, बाकी और बहाने के लिए हरास कर दो कि तू आज ऑफिस में लेट आया, धड़ 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 मार देना और क्या, कदम मर्डर कर देना, बोले तू लेट आया इसलिए मारा, आपने इन्फॉर्मेशन दिया इसलिए नहीं मारा साहिब, आप लेट आए करके मारा ये तो चलेगा ना, आपने बोला कि मियरली इसलिए मत करना क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दिया, क्या मत करना, ना तो उसको निकालना, सस्पेंड करना, डिमोट करना, प्रमोशन का ऑपोजिट होता है डिमोशन, ना तो उसको डराना ना उसको हरास करना, ये सब चीजें करने से मना करिए, इन्होंने अपने लेवल पे कोशिश करी भाई, कोशिश करने वालों की क्या है, क्या दिक्कत है, कोशिश करते रहो, पर सर ये सब चीजें आप नहीं करोगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको विसल ब्लोइंग का प्रोविजन है जहां पे आपको बोला गया आपकी पेनल्टी कम कर देंगे, माफ कर देंगे अगर आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन दोगे या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जिससे एलएलपी सख्त एकदम पुख्ता सबूत दो जिससे ये कन्विक्ट हो जाए तो आपको हम रिड्यूस कर देंगे आपकी पेनल्टी, मतलब ही बन जाओ, मतलब ही ओ जजरा, मतलब ही आगे सुनो रे, क्या गाना सुन रहे हो, मेरी बात सुनो सर, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बहुत इजी है सर, सर एक पार्टनर क्या लाके देगा एलएलपी में, अपना कंट्रीब्यूशन लाके देगा, सर कंट्रीब्यूशन कैसे, घर से थोड़ा सा पेड़ पौधे लेके आया, कंट्रीब्यूशन घर से थोड़े से फल लाया, बोले ये मेरा कंट्रीब्यूशन, कर सकता है पर मत करना भाई, कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, इट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कैन बी टैंजिबल, मतलब मूवेबल इमूवेबल असेट दे दो या इनटैंजिबल दे दो या कुछ भी दे दो, पैसा दे दो, प्रॉमिसरी नोट दे दो, अग्रीमेंट दे दो, कुछ भी कर लो, पर सर द मॉनिटरी वैल्यू शेल बी अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट्स, आप जो भी आपके पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका मॉनिटरी वैल्यू आपको अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसका मॉनिटरी वैल्यू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो लोग टैक्स पढ़ते हैं उनको एक चीज लिंक करवा दूं यहाँ पे, आपको याद होगा कि जब कैपिटल गेन में आप बात कैपिटल गेन में पढ़ते थे कि अगर एक पार्टनर आ रहा है और पार्टनर अगर अपने एलएलपी या फर्म के लिए अगर कोई असेट ला रहा है, अगर अपना असेट अगर वो एलएलपी या फर्म को ट्रांसफर कर रहे तो क्या वहां कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा, और कैपिटल गेन अट्रैक्ट अगर होगा तो उसके लिए सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, कुछ ऐसा प्रोविजन था कि फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस असेट की जो वैल्यू डालेगा ना, इस असेट की जो वैल्यू डालेगा ना उसको क्या माना जाएगा, सेल वैल्यू, सेल कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। सर एक बार कैपिटल गेन में ये प्रोविजन खोल करके देख लेना ताकि आप इंटर कनेक्शन कर सको, पर सर यहाँ पे मैंने क्या कहा, सर मॉनिटरी वैल्यू जो है वो कहां पे लिखोगे, आप अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे, ये डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, इससे टैक्स भी डिफाइन होता है। सर आप समझे मेरी बात, डिड यू अंडरस्टैंड। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रीब्यूट, ऑब्लिगेशन जिनको नहीं समझा एक बार देख लेना, पर अगर आपका ऐसा तो है नहीं कि आपके डीटी नहीं हो सकता, पर डरना मत, बेसिकली ज्यादा परेशान मत होना, बेसिक सा प्रोविजन है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सर मैंने क्या कहा, किसी ने कहा सर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, सर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आएगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, इंस्टेड यू विल टेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अमाउंट लिया है वो आप लोगे। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ऑब्लिगेशन सर कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करोगे वो आपके एलएलपी अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा राजा, आपके एलएलपी अग्रीमेंट पे। उसके बाद मेरी बात सुनना सर, उसके बाद क्या लिखा है, अ क्रेडिटर में एनफोर्स पार्टनर, सर सुनना मेरी बात, अगर एक पार्टनर ने बोला था कि मैं एलएलपी में 10 करोड़ रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा और उसको देख करके क्रेडिटर ने क्या किया, एक दूसरे बंदे ने एसबीआई ने मान लो क्या कर दिया, एसबीआई ने 5 करोड़ का लोन दे दिया, उसके बाद अगर ये पार्टनर ने अपना एलएलपी अग्रीमेंट बदल दिया और बोले मैं तो सिर्फ 2 करोड़ कंट्रीब्यूट करूंगा, तो ये एसबीआई ना पीछे जाके तुम्हारे तुमसे ये 10 करोड़ कंट्रीब्यूट करवा सकता है जो तुम्हारा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था। क्यों? क्योंकि तुम इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते भाई। तो लॉ ने बोला क्रेडिट में एनफोर्स द पार्टनर, अ क्रेडिटर यानी कि एसबीआई में एनफोर्स पार्टनर टू कंट्रीब्यूट द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इफ ही एक्सटेंड्स क्रेडिट बाय रिलाइंग ऑन सच ओरिजिनल ऑब्लिगेशन एज पर एलएलपी अग्रीमेंट। उसने लोन दिया ही था क्योंकि पार्टनर को 10 करोड़ देने के थे, तो भैया अब तो अपना कम नहीं कर सकता, अगर ये अग्रीमेंट ये 10 करोड़ देख के मैंने 5 करोड़ का लोन दिया था तो मैं आपसे ये 10 करोड़ फोर्स करवा सकता हूं, तो आपका एलएलपी अग्रीमेंट में जितना लिखा हुआ है उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी। ये क्या हो गया सर, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। सर आप मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? आगे बढ़ते ध्यान से सुनते जाना सर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बेहद आसान है, कुछ नहीं है भैया, तेरे को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
कौन से फॉर्मेट में मेंटेन करोगे, कैश या अक्रूवल, जो तुमको जमे। बट डबल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है आपका, सिंगल एंट्री नहीं। सर कंपनीज की जब बात करते थे ना आप, तो वहां पे सेक्शन नंबर 128 था जो कहता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करो, पर इधर कैश भी चलता अक्रूवल भी चलता, पर डबल एंट्री मेंटेन है और आप मैंडेटरी है और आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आपको याद रखना पड़ेगा, सांस किसकी, अबे एलएलपी की, कौन है सर, स्टेटमेंट ऑफ क्या बोल रहे हो सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी, ऐसे इसके है सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, मैंने ये कहा कि एवरी एलएलपी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर साइंड बाय ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर मालिक, ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड फाइल्ड विद आरओसी। सर कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक ही जगह आपने ऑल डायरेक्टर्स का सिग्नेचर पढ़ा था, वो था प्रोस्पेक्टस, जो कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था। सर यहां पे इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ एलएलपी अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी में सारे पार्टनर्स को नहीं पर सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर को साइन करने बोला है और साल खत्म होते के 6 महीने के अंदर आपको ये आरओसी को जमा करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर आप इसका अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाओगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को एग्जेम्पशन भी दे सकता है, पर अगर आप इसका कॉन्ट्रावेंशन कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपको कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी लग जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए, और ये कौन रेकमेंड करेगा सर, हमारा प्यारा आईसीएआई, ये तो करेगा ही ना भाई, तो आईसीएआई के रिकमेंडेशन में आपका ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा। सर आप मेरी बात समझे क्या राजा, अरे डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, बोलो येस और नो सर, येस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एनुअल रिटर्न जैसे एसएएस इंपॉर्टेंट था, 6 महीने के अंदर जाता है साल खत्म होने के बाद और उसमें सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 क्या बात करता है, एनुअल रिटर्न के बारे में। सर एनुअल रिटर्न क्या होता है, हर एलएलपी को एनुअल रिटर्न बनाना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर, मतलब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो 30 मई तक, 31 मई नहीं सर 60th डे, क्योंकि 60 डेज एग्जैक्टली कैसे आएगा, 30 डेज अप्रैल के और 30 डेज मई के, नहीं फाइल किया तो पेनल्टी लगेगा सर, ये दोनों याद रखना। सांस जाता है 6 महीने के अंदर साल खत्म होने के और आपका आपका एनुअल रिटर्न जाता है कितने समय के अंदर, 60 डेज के अंदर साल खत्म होने के। सर ये समझ आ गया, अब अगले पोर्शन में बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज दोस्तों। इंस्पेक्शन क्या कहते हैं, पर रुक जाओ सर, मेरे को आगे बढ़ने का मोटिवेशन चाहिए, जो लोगों को समझ आ रहा है, अगर आप लोगों को ये मेहनत मजा आ रही है पसंद आ रही है भाई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको YouTube में बतेरे रिविजन्स मिलेंगे भाई, पर जो परफेक्ट बैलेंस होता है ना स्पीड और कॉन्सेप्ट्स का, टाइम का और एफिशिएंसी का, ये परफेक्ट बैलेंस मिलना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितना समझा लो कितना ना समझाओ, अगर ये पूरा एलएलपी एक्ट में आपको 15 मिनट में भी दे सकता हूं बिना समझाए, मैं आपको 3 घंटे में 10 घंटे में पढ़ाता हूं समझा समझा के, पर सर ये जो आपका रैपिड रिवीजन है ना, जो आपका लास्ट डे रिवीजन है, इंटेंट इज टू गिव यू अ वेरी परफेक्ट बैलेंस बिटवीन योर एफिशिएंसी टाइमिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो मैं इसमें करने की कोशिश कर रहा हूं सर। अगर आपको मजा आ रहा है तो यू विल हैव टू लाइक दिस वीडियो, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं खास करके तुम लोग वीडियो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में मेरे को बताना कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई कीप सेइंग दिस योर अप्रिशिएशन इज माय ओनली मोटिवेशन, द मोर यू अप्रिशिएट द मोर बेटर आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट अपकमिंग रिविजन, सो डू मेक श्योर जस्ट यू टेक हार्डली 1 मिनट टू लेट मी नो इन द कॉमेंट हाउ आर यू फाइंडिंग दीज रिविजन, कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अभी हम लोग लास्ट स्टेज में है, 5 पेज और बचे हैं, हमको 15 से 20 मिनट और लगेगा, पर हम लोग इसको खत्म करके आज मानेंगे सर। बेसिक प्रोविजन जो है इसमें आगे बढ़ते हैं सर, इंस्पेक्शन आप पढ़ लेना, पेनल्टी आप पढ़ लेना, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, क्योंकि सर ये बहुत बेसिक चीज है। अरे छोड़ो यार मैं ही पढ़ा देता हूँ। इंस्पेक्शन क्या है, जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से, आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर्स, एसएएस और एनुअल रिटर्न, ये आप कोई भी पर्सन हो ना आप इंस्पेक्शन कर सकते हो रूल्स के हिसाब से, कोई बकायदा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। सर अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, इसके पहले भी एक बार फॉल्स स्टेटमेंट आया था, अगर आपने अपने कोई रिटर्न या स्टेटमेंट में फॉल्स स्टेटमेंट दिया या कुछ मटेरियल फैक्ट ओमिट किया, तो आपको 2 साल की जेल होगी और 1 लाख से 5 लाख की फाइन होगी, आप उसको पुराने वाले फॉल्स स्टेटमेंट से कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रार को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मंगवाना है तो वो आपको नोटिस भेज के आपसे इंफॉर्मेशन मांग लेगा।
यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंफॉर्मेशन सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर से मांगेगा कि पुराने पार्टनर से? सर आज से 4 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है तो 4 साल पहले के पार्टनर से भी मांग सकता है, सर वो फॉर्मर एम्प्लॉइज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर से भी मांग सकता है टू आंसर एनी क्वेश्चन और टू सप्लाई एनी मटीरियल। और अगर आपको ये बोला गया है तो आपको देना पड़ेगा, वरना आरओसी आपको समन करने का पावर रखता है कि भाई तू ऑफिस आना, जरा आओ कभी हवेली पे। और उसके बाद अगर आपने कॉन्ट्रावेशन फिर भी किया तो 2,000 से 25,000 रुपए का क्या लग जाएगा आपको? फाइन लग जाएगा। अब सर उसके बाद बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है, प्लीज आप मेरे को बताओगे क्या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है? सर सबसे पहले तो ये समझो कि कंपाउंडिंग करता कौन है, ये करता है रीजनल डायरेक्टर और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर, मतलब आरडी या आरडी के ऊपर के लोग करते हैं, आरओसी कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। सर क्या केस है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली और ओनली मैं कंपाउंड विच इज पनिशेबल विद फाइन ओनली बाई कलेक्टिंग अ सम विच मे एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम फाइन बट नॉट लेस देन द मिनिमम फाइन ऑफ सच ऑफेंस, मतलब अगर आपका एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें फाइन और जेल दोनों लगता है तो उसको छोड़ दो, पर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ फाइन लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, मान लो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, आज अगर आप किसी चीज के लिए पकड़े गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आप अगर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़े गए हो कि आप अंदर की खबरें कैसे स्टॉक मार्केट में खेल रहे हो, आप में क्या होगा सर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख एलिगेशन आएगा और लास्ट में आपको क्या किया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा आप पे। मान लो सर पेनल्टी का रेंज था 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का, मान लो, और आप पे कितना पेनल्टी लगेगा, 30 लाख रुपए का लगेगा। ये कब होगा, जब आप दोषी पाए जाओगे कि भैया गिल्टी पाए गए, पर भैया ये जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख है ना, उसमें 1-2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, समय की भी तो अपनी कीमत होती है ना, तो ये 1-2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस बंदे ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया वो जा सकता है अथॉरिटी के पास और बोलेगा सुनो मालिक क्या करने वाले हो आप, प्रोसिक्यूशन मतलब ट्रायल करोगे तारीख पे तारीख, उसके बाद लास्ट का रिजल्ट क्या होगा, तू मेरे को 5 लाख से 50 लाख के बीच का कोई फाइन लगाएगा, तो एक काम करना तू अभी मेरे पे ये फाइन ठोक दे, तू मेरे को गिल्टी मत बोल, मैं गिल्ट लेने के लिए तैयार नहीं हूं, तू मेरे को दोषी नहीं ठहरा सकता, पर तू मेरे को फाइन लगा ले और तू पैसा ले ले और जा, तू मेरे को परेशान मत कर। तो सर अगर आप इस तरह का चीज करने के लिए तैयार हो तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, जहां पे आप किससे बच गए, प्रोसिक्यूशन से, ये जो पूरा प्रोसेस है ना प्रोसिक्यूशन का, इससे आप बच गए, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग कब होगा, ये तभी होगा सर जब आपका सिर्फ फाइन का पनिशमेंट है, अगर जेल और फाइन दोनों था तो भैया पूरा तारीख पे तारीख आएगा, वरना सिर्फ तुम्हारा अगर फाइन से पनिशेबल है तो उसमें क्या होगा, आप एक ऐसा सम कलेक्ट कर लो विच में एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम फाइन बट नॉट लेस देन मिनिमम फाइन। मिनिमम फाइन कितना था, 5 लाख, मैक्सिमम फाइन कितना था, 50 लाख, उस दोनों के बीच में कोई भी अमाउंट जो आप अमाउंट आपको जमे वो आप ले लो। अब दोस्तों कंपाउंडिंग शैल नॉट अप्लाई अगर आपने वही ऑफेंस 3 साल के अंदर दोबारा कमिट कर दिया, मतलब एक बार आपने कमिट किया था आपको कंपाउंडिंग हो गया, वापस से आपने 3 साल के अंदर अगर दोबारा कर दिया तो इसको कहते हैं सेकेंड ऑफेंस और सब्सिक्वेंट ऑफेंस, 3 साल के अंदर करोगे ना तो कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार गलती गलती होती है, 2 बार कर लो गलती तो शायद आदत होती है, पर 3 साल के अंदर किया कोई सेकेंड ऑफेंस मानेंगे। इन्होंने कहा अगर 3 साल के बाद करोगे ना तो उसको फर्स्ट ऑफेंस ही माना जाएगा, मतलब उसकी माफी फिर से मिल जाएगी। मतलब मान लो सर आपने आज इनसाइडर ट्रेडिंग किया, आगे चल के कंपाउंडिंग करवा लिया, उसके बाद 5 साल बाद फिर से इनसाइडर ट्रेडिंग किया तो उसको पहली बार किया ऐसा माना जाएगा और फिर से कंपाउंडिंग हो सकता है, बहुत इलॉजिकल है, पर ठीक है सर अपने को क्या करना है। सर प्रोसीजर क्या होगा, आप एप्लीकेशन दोगे, देखो आरओसी को अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, रीजनल डायरेक्टर, पर ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन आप दोगे आरओसी को जो फॉरवर्ड करेगा अपने कमेंट्स के साथ रीजनल डायरेक्टर को, तुम सीधा नहीं जा सकते, तुम आरओसी के थ्रू जाओ। अब उसके बाद अगर आरडी कंपाउंड कर देता है, सर कंपाउंडिंग ना ध्यान रखना वेदर बिफोर और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, या तो तारीख पे तारीख शुरू हो चुकी है या होने की है, दोनों के कभी भी समय आपका कंपाउंडिंग हो सकता है, तो वो आरओसी को बताएगा और आरओसी आपको 7 दिन के अंदर बताएगा, वेयर ऑफेंस इज कंपाउंडेड इट विल इंटीमेट आरओसी विद इन 7 डेज। जैसे ही आपका आरडी ऑफेंस को कंपाउंड कर देगा वो आरओसी को बताएगा और आरओसी आपको बता देगा। सर अब जब ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर आपका इंस्टीट्यूशन के पहले प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो कोई भी प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं होगा, और अगर इंस्टीट्यूशन के अगर प्रोसिक्यूशन के दौरान अगर आपका कंपाउंडिंग हो गया है तो आरओसी क्या करेगा सर, आरओसी कोर्ट को इंटीमेट करेगा कि भैया कंपाउंडिंग का ऑर्डर आ गया है और अब आपका केस जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब सर मान लो अगर आपका केस चल भी रहा था ना तो आरओसी जाके कोर्ट में बोलेगा कि रीजनल डायरेक्टर ने कंपाउंड कर दिया है, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको डिस्चार्ज कर देगा, मतलब तू भी फ्री मैं भी फ्री। सर आप समझ रहे हो ना लॉजिक। उसके बाद मैंने क्या कहा लास्ट में सर, वेयर द डीलिंग इन व्हाइल डीलिंग विद द प्रपोजल ऑफ कंपाउंडिंग, जब कंपाउंडिंग की बात चल रही है तो रीजनल डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को बोल सकता है या पार्टनर्स और एम्प्लॉइज को कि तू वो रिटर्न भर या अकाउंट भर या डॉक्यूमेंट भर जो हम बोले, और उसको वो भरना पड़ेगा। अगर वो नहीं भरेगा ना तो सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन
कितना फाइन लग सकता है तुम पे? ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द करस्पॉन्डिंग सेक्शन फॉर विच पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड। मतलब भैया एक तो तू 5 लाख से 50 लाख तक का फाइन था, फिर को तू आया हमारे पास कंपाउंडिंग के लिए, तो कंपाउंडिंग के लिए जब डेटा मांगे तो तूने वो डेटा नहीं दिया, तूने वो रिटर्न नहीं दिया, तो अब तेरे पे डबल पेनल्टी लगेगा, ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द सेक्शन इन विच पनिशमेंट ऑफ सच ऑफेंसेस प्रोवाइडेड। जो पेनल्टी है ना उसका डबल पेनल्टी तेरे पे लगेगा, तेरी ऐसी की तैसी। सर ये पूरा कंपाउंडिंग का प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर उम्मीद है आपने इसको इस तरीके से समझा जैसे आपने कभी क्लासेस में भी नहीं समझे होंगे, किसी के भी क्लासेस में, पर सर उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सर पूरे लॉ में इतना फाइन्स और पेनल्टीज कैसे याद रखे वरुण? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इतना लोड नहीं लेता भाई, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं याद करता, जो नहीं है वो नहीं याद करता। अब आप ये पूछेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन बैंक में जो भी पेनल्टीज आ रहे हैं ना वो याद कर लो, और एलएलपी के पेनल्टीज पे इतना ज्यादा फोकस मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, पर भैया हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग 100 मार्क में से मान लो 4 से 5 नंबर का क्या आता है पता है, आपका फॉर्म नंबर्स आते हैं, आपका पेनल्टीज आता है और आपके लिमिट्स वगैरह आते हैं, इसके चक्कर में हम बाकी 95 खराब कर देते हैं। आप इस पे भी फोकस कर सकते हो, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट नहीं, असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है उसका प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा, अपने को मुश्किल से 20 मिनट और लगेंगे। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सर राइट्स ऑफ अ पार्टनर, सर क्या मैं अपना राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? सर आप ट्रांसफर कर सकते हो पूरा का पूरा या पार्टली भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर ट्रांसफर ऑफ सच एनी राइट्स डज नॉट बाय इटसेल्फ, मैंने अगर अपना राइट किसी और को ट्रांसफर किया, मतलब मेरा मान लो एक एलएलपी में 10% का शेयर था, वो 10% का शेयर मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो उससे इट विल नॉट कॉज डिसोसिएशन ऑफ द पार्टनर और द डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। एलएलपी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना तो आपके पार्टनर्स का डिसोसिएशन होगा ना आपके एलएलपी का डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप होगा, दोनों इंटैक्ट रहेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सामने वाला जो ट्रांसफर ही है ना, इट डज नॉट एंटाइटल हिम टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी ट्रांजैक्शन। सुनना मेरी बात, आप और मैं अगर पार्टनर है एलएलपी में और मैंने अपना पार्टनरशिप किसको ट्रांसफर कर दिया, मैंने अपने रिलेटिव हैप्पी को मेरे छोटे भाई को ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे हैप्पी को ट्रांसफर करने से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट गया, उनको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एलएलपी से वो उसको मिलेगा, पैसा मिलेगा उसको, पर वो बोलेगा कल से ऑफिस में आएगा। नहीं भैया, मेरे सिर्फ पार्टनरशिप शेयर करने से ना उसको ऑफिस में मैनेजमेंट का राइट्स नहीं मिलता, अलग से बैठ के राइट्स लेना पड़ेगा एलएलपी अग्रीमेंट के थ्रू, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर ही विल नॉट गेट द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट इन द एलएलपी और एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। ऐसा नहीं कल को आगे एलएलपी में बैठ के पीएनएल दिखाओ फलाना दिखाओ, नहीं भाई तेरा कोई हक नहीं है, तेरे को बस प्रॉफिट्स का राइट मिला है, वो चुपचाप ले लियो और घर पे बैठे रहे। अगर देखो मैनेजमेंट करना है ना तो आके बैठ, एलएलपी अग्रीमेंट बनेगा तब डिसाइड करेंगे, ठीक है? समझे क्या मेरी बात? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, ये शेड्यूल्स अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन से फॉर्म के उसके बारे में लिखा है कि ये कन्वर्शन फॉर्म टू एलएलपी शेड्यूल 2 के हिसाब से होगा, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी 3 के हिसाब से, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी आपके शेड्यूल 4 के हिसाब से। अब दोस्तों उसके बाद बताओ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। अगर आप ऊपर वाले कन्वर्जन करवा रहे हो फॉर्म टू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी और अनलिस्टेड कंपनी टू एलएलपी, तो उसका क्या होगा? पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब अभी तक आप भी प्राइवेट कंपनी थे, अब आप एलएलपी बन गए तो आरओसी के पास जाओगे। तो सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आप जाओगे किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास? एक ही तुम्हारा कर्ता धरता है भाई, कौन है वो? आरओसी। आरओसी को बोलोगे आरओसी मैं अपने आप को कन्वर्ट करा रहे, पहले मैं एलएल फर्म था, अब मैं एलएलपी बन रहा हूं, या मैं प्राइवेट नहीं, पहले आप बोलोगे मैं प्राइवेट कंपनी था एलएलपी बन रहा हूं। तो सर मेरी बात सुनना ध्यान से, फॉर्म अगर आपका आरओसी सेटिस्फाइड है, क्या कि तुमने सारा कंप्लायंस कर लिया है शेड्यूल का, तो वो आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर रजिस्ट्रेशन देगा, और जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा तब आप इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट हो जाते हो। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एलएलपी जो है 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरा कन्वर्जन हो चुका है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कब? अगर आप फर्म से एलएलपी में गए हो। आरओसी कब? मान लो अगर आप प्राइवेट कंपनी से आप अगर एलएलपी में कन्वर्ट हुए, प्राइवेट कंपनी आप दिल्ली में थे, एलएलपी आप मुंबई में बने, तो मुंबई में जाके पहले आप मुंबई के आरओसी के पास चले जाना, वो आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर देगा, फिर तुम दिल्ली के आरओसी को जाके बोल देना अब मैं तेरा नहीं रहा, अब मैं किसी और का हो गया हूं, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो आपको 15 दिन के अंदर अपने प्रायर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आपका कन्वर्जन हो जाएगा तो एलएलपी और पार्टनर्स बाउंड हो जाएंगे रेस्पेक्टिव शेड्यूल के साथ। सर रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? जब आप अपने आपको ऐसे एलएलपी रजिस्टर करवा लेते हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पहला एलएलपी एग्जिस्टेंस में आते हैं, दूसरा सारे टैंजिबल असेट और इंटैंजिबल असेट, असेट लायबिलिटी सब कुछ जो आपके फर्म का, प्राइवेट कंपनी का या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का है, वो अब हो जाता है एलएलपी का। मतलब जो भी तेरा है वो अब सब क्या हो गया? मेरा।
एंड द फर्म और कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर. तुम्हारा क्या हो गया, मोए मोए हो गया, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा. मतलब तीन चीजें, एलएलपी आता है, सारे असेट आते हैं और ये जाता है. एलएलपी का एग्जिस्टेंस होता है, सारे असेट्स लाइबिलिटी ट्रांसफर होते हैं और ये जो फर्म या कंपनी है ये डिसॉल्व हो जाते हैं. ये पूरा ओवरऑल लूप होता है जब आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है. अरे आप मेरी बात समझे क्या? हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बाद हम लोगों का ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि उसके बाद कोई मेजर पोर्शन नहीं बचता है. ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक देना चाहता हूं, मैं 2 मिनट में आता हूं. Yes guys, are you back? Are you back after a very very small break? चलो आगे बढ़े. चलो guys, आगे बढ़ते, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना. सर शुरू करने के पहले मैं एक बार एक दुआ लगा लेता हूं. जो भगवान भगवान भगवान, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, भगवान यदि उस वीडियो को पसंद आ रहा है और अगर वो दिल से लाइक करे वीडियो को, तो प्लीज उसको एलएलपी एक्ट से आने वाले 8 नंबर में से 8 नंबर दिला देना भगवान प्लीज. ये मेरी दिल से दुआ है.
चलो मेरी बात सुनो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना क्या कह रहा हूं मैं। दोस्तों हम लोग बात करने वाले कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में, इन केस ऑफ एलएलपी। एलएलपी के केस में क्या सीन होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले समझो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब क्या होता है। एक एलएलपी अगर किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पा रही है, मान लो क्रेडिटर से 1 करोड़ रुपए ले रखा है, पर अब उसको क्रेडिटर को सिर्फ 75 लाख रुपीज देना है, बाकी 25 लाख खा जाना है, तो उसके लिए वो क्या करवाता है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करवाते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या सर, थोड़ा सा सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व। कॉम्प्रोमाइज मीन सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व, जो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को अपने सीए के साथ करना चाहिए। पर सर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, मेरा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज बिटवीन व्हाट, बिटवीन एलएलपी एंड इट्स क्रेडिटर और एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। या तो उनके क्रेडिटर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या पार्टनर के साथ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और एनी क्रेडिटर और पार्टनर और लिक्विडेटर। कौन एप्लीकेशन दे रहा है, चार लोग, एलएलपी, पार्टनर, क्रेडिटर या लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो क्या ऑर्डर करेगा, मीटिंग बुलाओ भैया टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड एज प्रिस्क्राइब। मतलब सर चार लोग हैं, या तो एलएलपी या क्रेडिटर या पार्टनर या लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कब आएगा, जब एलएलपी का मोए मोए हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। तो अब ये चारों लोग में से कोई भी ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और ट्राइब्यूनल बोलेगा जिसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज या तो क्रेडिटर के साथ हो रहा है या पार्टनर के साथ हो रहा है, जिसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसका मीटिंग को बुलाने बोलेगा। मीटिंग विल बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड। कॉल्ड मतलब क्या, बुलाओ, हेल्ड मतलब जगह रखो और मीटिंग करवाओ, और कंडक्टेड मतलब क्या, प्रॉपर्टी तुम मीटिंग कंडक्ट करो। ये तीन शब्द होते हैं सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, सैंक्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सर सैंक्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बार आप ट्राइब्यूनल के पास जाके एप्लीकेशन दिया ना, तो ट्राइब्यूनल ने क्या बोल दिया, तुम मीटिंग बुलाओ। मीटिंग में तो अप्रूवल चाहिए ना, किसका, जिसकी मीटिंग बुलाई है। सर उस मीटिंग में कैसा अप्रूवल लगेगा पता है, डुअल अप्रूवल। कैसे डुअल अप्रूवल, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स अग्री टू सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, देन इट शैल बी सैंक्शन बाय ट्राइब्यूनल एंड इट शैल बी बाइंडिंग ऑन एवरीवन। क्या मतलब सर, आपने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के बाद क्या होगा, रेजोल्यूशन। अब मान लो 10 क्रेडिटर थे और 10 क्रेडिटर का 90 करोड़ का क्रेडिट था, तो हमको चाहिए कितने लोग अग्री करें। मान लो अगर 4 क्रेडिटर अग्री करें जिनके पास 80 करोड़ था, तो चल जाएगा क्या, लॉ ने बोला नहीं भैया हमको चाहिए डुअल मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी इन नंबर हैविंग 3/4 इन वैल्यू। तो 3/4 इन वैल्यू, तो मान लो सर, अगर मान लो मैं अभी आपको कहूं 8 लोगों ने अप्रूव किया, 8 लोगों ने अप्रूव किया जिसमें 80 करोड़ का क्या था, क्रेडिट, 80 करोड़ का क्रेडिट था, तो आप देखोगे मेजॉरिटी नंबर हो गए क्या, हाँ सर आधे से ज्यादा हो गए क्या, आपका 3/4 इन वैल्यू हो गए, हाँ सर 3/4 इन वैल्यू हो गए, तो ये अप्रूव माना जाएगा। तो पहले आप गए ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल ने मीटिंग ऑर्डर किया, मीटिंग में आपने क्या करा, मेजॉरिटी हैविंग 3/4 का अप्रूवल ले लिया, और उसके बाद ट्राइब्यूनल ने क्या किया, उस स्कीम को सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन मतलब अब ट्राइब्यूनल ने भी अप्रूव कर दिया, तब जाके वो स्कीम जो है वो बाइंडिंग हो जाएगा ऑन ऑल द क्रेडिटर्स एंड द पार्टनर्स। पर दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, तब तक आपका कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सैंक्शन नहीं करेगा जब तक ट्राइब्यूनल अपने आपको दो चीज को लेकर सेटिस्फाई नहीं कर लेता। पहला, ऑल द मटीरियल फैक्ट्स इंक्लूडिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी कंपनी की आर्थिक स्थिति है उसको जब तक कंफर्म नहीं कर लेता, एंड पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, एलएलपी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है क्या, जब तक ये दोनों चीजों को लेके वो अपने आप को सैटिस्फाई नहीं कर लेता दैट द एलएलपी हैज डिस्क्लोज्ड, कि तुमने पूरा डिस्क्लोजर दे दिया है, तब तक वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो ये ऑर्डर नहीं आएगा जब तक दो कंडीशन। तो अभी तक क्या पड़ा सर, अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है किसके बीच में, एलएलपी या क्रेडिटर या एलएलपी या उसके पार्टनर के बीच में, तो या तो एलएलपी या क्रेडिटर या पार्टनर या लिक्विडेटर जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा मीटिंग बुलाओ, आपस में डिसाइड करो, मीटिंग बुला के तुम मेजॉरिटी हैविंग 3/4 इन वैल्यू का अप्रूवल लोगे। एक बार अप्रूवल मिल जाए उसके बाद ट्राइब्यूनल आपको सैंक्शन करेगा, पर सैंक्शन करने के पहले दो चीजें ही चेक करेगा, कि क्या एलएलपी ने सही सही फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज किया है और क्या एलएलपी ने सही सही इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग डिस्क्लोज किया है। अब उसके बाद जब ट्राइब्यूनल एक बार सैंक्शन कर दे, तो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आप आरओसी के पास 30 दिन के अंदर फाइल कर देना, और जब आप आरओसी के पास फाइल करोगे ना तभी ये इफेक्ट लेगा, उसके पहले इफेक्ट नहीं लेगा। मतलब आरओसी को फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं फाइल करे तो आप पे पेनल्टी लग जाएगा। और उसके बाद द ट्राइब्यूनल में एक बार आपने उसके, एक बार आपका ऑर्डर आ गया, उसके बाद ट्राइब्यूनल में आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड, स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग्स अंटिल द एप्लीकेशन हैज बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब सर जब समझ लो, जब आप गए थे ट्राइब्यूनल के पास, ये देखो ऊपर, जब आप ट्राइब्यूनल के पास गए थे तो ट्राइब्यूनल बोला देखेंगे सोचेंगे कल परसों कुछ कहेंगे, तो हमने बोला ठीक है भाई तू अपना समय ले, पर एक काम तो कर, जब तू अपना डिसीजन लेगा तब तक कोई मेरे एलएलपी पे कोई केस मार दे, सूट कर दे, सूट ट्रायल कर दे, मैं मर जाऊंगा ना भाई, तो एक काम कर तू इस पे स्टे लगा दे। तू स्टे लगा सकता है कि जब तक मैं ऑर्डर दूंगा तब
कोई भी एलएलपी पे ना तो केस शुरू होगा ना एग्जिस्टिंग केस कंटिन्यू होगा, ऐसा आप स्टे ऑर्डर लगा सकते हो। तो यहाँ पे वही पावर दिया गया है, ऐसा ट्राइब्यूनल जो है एप्लीकेशन के बाद स्टे कर सकता है किसी सूट का कमेंसमेंट या कंटिन्यूएशन। ना तो कोई केस मारेगा मेरे पे, ना ही कोई केस आगे बढ़ेगा जब तक मैं ऑर्डर नहीं दे सकता सर, अंटिल सच एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये फेवर आप अपने ट्राइब्यूनल से ले सकते हो। ये क्या हो गया सर, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, जहां पे आप किसी का पैसा खाने का सोच रहे हो। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, क्या कर दिया ट्राइब्यूनल ने, सैंक्शन कर दिया ऑर्डर कि भैया चलो तुम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कर लो। पर सर वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जैसा ट्राइब्यूनल ने कहा है वैसा वैसा होना चाहिए, तो ये सुपरवाइज कौन करेगा, ये ट्राइब्यूनल सुपरवाइज करेगा। तो दोस्तों यहां पे ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया, इट शैल हैव द पावर टू सुपरवाइज। और अगर सुपरवाइज करते वक्त उसको लगा कि यार जो मैंने ऑर्डर दिया है ना वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो उसमें मॉडिफिकेशन डायरेक्शन भी दे सकता है या मॉडिफिकेशन भी दे सकता है, कंसिडरिंग नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एकदम सक्सेसफुल हो जाए उसके लिए वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। पर अगर ट्राइब्यूनल ये सेटिस्फाइड हो गया कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी मॉडिफिकेशन कर लो, तुम ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी ये लोग स्कीम बनाते हैं उस स्कीम को प्रैक्टिकली अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो या तो वो खुद से या फिर किसी इंसान के एप्लीकेशन पे एलएलपी का मोई मोई कर देगा, वाइंडिंग अप कर देगा। सर ये कब होगा, एक बार ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद तो सुपरवाइज करेगा, जहां भी लगेगा डायरेक्शन देगा, जहां भी लगेगा मॉडिफिकेशन कर देगा। पर अगर उसके बाद भी उसको लगा कि मॉडिफिकेशन के बाद भी ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता तो वो आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देगा। दोस्तों ये क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 60 और 61। 60 और 61 में, 60 में आप ध्यान रखना, या तो एलएलपी या क्रेडिटर या पार्टनर या लिक्विडेटर किसके पास गए थे, ट्राइब्यूनल के पास, ये बोल के कि मेरा स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सैंक्शन कर दो। पर सर ट्राइब्यूनल के पास जब आप एप्लीकेशन लेके गए अंडर 60, उसके साथ एक और सेक्शन आ सकता है, सेक्शन नंबर 62, जो क्या कहता है कि जब ट्राइब्यूनल के पास यह एप्लीकेशन आया, अब ट्राइब्यूनल को क्या लग रहा है, वेयर द ट्राइब्यूनल इज वेयर एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 60 and it is shown that tribunal ko kya lag raha hai that the compromise or arrangement has been proposed for a scheme of reconstruction or amalgamation of two or more LLPs, matlab jo compromise or arrangement aap propose kar rahe ho usme do ya do se zyada LLP ka amalgamation ho raha hai, aur dusra and under the scheme of amalgamation जो अमेलगमेशन हो रहा है उसमें अंडरटेकिंग प्रॉपर्टीज या लाइबिलिटीज जो है वो एक एलएलपी से दूसरे एलएलपी को ट्रांसफर हो रही है। मतलब क्या, तू जो स्कीम लाया है ना सेक्शन 60 वाला, वो स्कीम तो सेक्शन 60 वाला तो है, पर मेरे को साथ साथ में दिख रहा है इसमें दो एलएलपी का अमेलगमेशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है, और उस वजह से एक एलएलपी से दूसरे एलएलपी में यूपीएल ट्रांसफर हो रहा है। यूपीएल बोले तो अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी। तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा और उसमें क्या सैंक्शन करेगा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सैंक्शन करेगा, पर उसमें 5 एक्स्ट्रा बातें लिखेगा। जो ऑर्डर वो सेक्शन 60 में देता है, जो सेक्शन 60 का कंप्लायंस है वो तो पूरा करना ही करना पड़ेगा, उसके साथ 5 एक्स्ट्रा चीजें वो अपने सैंक्शन ऑर्डर में लिखेगा। क्या, पहला ट्रांसफर टू ऑफ ऑल द अंडरटेकिंग और लाइबिलिटीज और प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी, वो लिख के देगा कि भैया देखो ये चीजें ट्रांसफर कर लो। दूसरा सर, जो कंपनी के जितने भी लीगल प्रोसीडिंग थे ना, मान लो एक एलएलपी 1 है और एलएलपी 2 है, इन दोनों का मर्जर होकर एलएलपी 3 बन रहा है, तो वो बोलेगा एलएलपी 1 और एलएलपी 2 दोनों के ऊपर जो केसेस चल रहे थे या ये लोग जिसके ऊपर केस कर रखे थे वो सारा अब एलएलपी 3 के अगेंस्ट कंटिन्यू होगा। कंटिन्यूएशन ऑफ द बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी एलएलपी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरर, ये ट्रांसफर ही है, ये ट्रांसफर है, इनके ऊपर जो केस चल रहा था अब इनके ऊपर चलेगा, मतलब केसेस रद्द नहीं होंगे। नेक्स्ट सर, ये अगर इन दोनों का मर्जर होकर एलएलपी 3 बन गया तो अब एलएलपी 1 और 2 का क्या काम है, तो डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रांसफर एलएलपी, ये जो एलएलपीज है इनका क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा बिना वाइंडिंग अप के। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग, जो लोग नाराज फूफा है इसमें डिसेंटिंग पर्सन जो है उनके लिए प्रोविजन, और लास्ट में जो भी इंसिडेंटल ऑर्डर लगे वो देगा। मतलब सर बेसिक बात है, पहला ऑर्डर में लिखेगा सारे अंडरटेकिंग, जो भी अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे उसको ट्रांसफर करवाएगा, दूसरा लीगल प्रोसीडिंग्स एज इट इज कंटिन्यू करवाएगा, तीसरा बोलेगा डिसोल्यूशन हो जाएगा बिना वाइंडिंग अप के, चौथा बोलेगा डिसेंटिंग लोगों के लिए प्रोविजन बता रहा हूं, और लास्ट में जो भी ऑर्डर उसको ठीक लगे वो भी देगा। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? और सर यहां पे जब सैंक्शन करना है ना सेक्शन 62 के अंदर, तो ट्राइब्यूनल तब तक सैंक्शन नहीं करेगा जब तक उसको एक आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिपोर्ट नहीं आ जाता। क्या रिपोर्ट, किससे, एक तो आरओसी से या ऑफिशियल लिक्विडेटर से, क्या कि भैया आपने एलएलपी ने ना किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया है, दैट द एलएलपी हैज नॉट बीन दैट द अफेयर्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर या प्रिजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आपने किसी का बुरा नहीं किया है, जब तक ऐसा रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक आपका अमेलगमेशन मर्जर सैंक्शन नहीं होगा।
और उसके बाद क्या कहा सर मैंने, व्हेन एन ऑर्डर प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी देन इट शुल बी फ्रीड फ्रॉम एनी चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपके ऑर्डर में लिखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और उसी ऑर्डर में लिखा है प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगी, तो फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा सर, मतलब उसमें लगे हुए सारे एनकंबरेंस, सारी गिरवी जहां पे भी रखी हुई थी वो सारे फ्री हो जाएंगे अगर ऑर्डर में ऐसा लिखा है तो। उसके बाद सर जो भी ऑर्डर आएगा आरओसी को 30 दिन के अंदर भेज देना वरना पेनल्टी लग जाएगी। सर याद रखना सेक्शन 62 का कंप्लाइंस 60 के एडिशन में है। सर एक बार आप लोगों के लिए पूरा प्रोविजन समराइज कर देता हूं, बहुत सिंपल है, इस तरीके से ध्यान रखो सर। अगर एक एलएलपी क्या करना चाहता है अपना क्रेडिटर के साथ या अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है या अरेंजमेंट करना चाहता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का एक स्कीम बनाएगा, वो स्कीम को आप लगेगा अप्रूवल। उसके लिए वो एलएलपी या तो क्रेडिटर या पार्टनर या फिर उसके लिक्विडेटर जो है वो जाएंगे किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल को बोलेंगे मेरा ये स्कीम अप्रूव कर दो, ट्राइब्यूनल बोलेगा मीटिंग बुला के पहले उन्हीं से पूछ ले सर। उस मीटिंग को यू विल कॉल हेल्ड एंड कंडक्ट, उस मीटिंग में मेजोरिटी का अप्रूवल चाहिए होगा जो 3/4 इन वैल्यू होल्ड करते हैं। एक बार इनका अप्रूवल आ जाए तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, स्कीम को सैंक्शन कर देगा। पर सैंक्शन करते वक्त ट्राइब्यूनल दो चीजें देखेगा कि तुमने फाइनेंशियल पोजीशन और लीगल प्रोसीडिंग और ऊपर डिस्क्लोज करिए क्या। उसके बाद ही वो क्या कर देगा ऑर्डर, और जैसे ही ऑर्डर आएगा आप इसको लेके आरओसी के पास चले जाना। पर सर वक्त और जज्बात तब बदलेंगे जब, और उसके बाद अच्छा जब एक बार आरओसी के पास चले गए तो आपका स्कीम इफेक्टिव हो गया। आप क्या करोगे, स्कीम को इंप्लीमेंट करोगे, जो भी स्कीम अप्रूव हुआ है उसको इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट करते वक्त ट्राइब्यूनल जो है उसको सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज करते वक्त अगर उसको लगा तो वो कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, पर मॉडिफिकेशन के बाद भी अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये इस एलएलपी को क्या कर देगा, वाइंड अप कर देगा। पर दोस्तों उसके आगे बढ़ते सेक्शन 62 क्या कहता है, सारी चीजें यही चल रही थी पर साथ साथ में ट्राइब्यूनल को यह भी लगा कि तुम्हारा जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम है ना उसमें कहीं ना कहीं तुम अमेलगमेशन और मर्जर भी कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे कुछ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज जो है वो एक एलएलपी से दूसरे एलएलपी में ट्रांसफर होगा। तो ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर देगा ना अपने ऑर्डर में 5 बातें लिख देगा, पहला तो जो अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में लिख देना, दूसरा ये लिख देना सारे के सारे लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगे, तीसरा ट्रांसफरर जो एलएलपीज है ना दे विल डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप, चौथा आपको जो भी आपको एडिशनल ऑर्डर लगे वो आप दे देना। ये ट्राइब्यूनल 5 ऑर्डर देगा। ट्राइब्यूनल का वापस से जो ऑर्डर आया वो आरओसी के पास 30 दिन के अंदर जाएगा, पर ट्राइब्यूनल तब तक ऑर्डर नहीं देगा जब तक इस बार उसको अपने आरओसी से या ऑफिशियल लिक्विडेटर से एक कंफर्मेशन आ जाता है कि एलएलपी ने अपने अफेयर्स को किसी के नुकसान में तो कंडक्ट नहीं किया। जब ये कंफर्मेशन आ जाए तभी वो आरओसी को, तभी वो क्या करेगा, अपना स्कीम सैंक्शन करेगा। सर ये 60 और 62 मिला के, ठीक है, ये 60 61 62 मिला के एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद सर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एलएलपी का वाइंडिंग अप हो सकता है। एलएलपी का वाइंडिंग अप जो होता है वो या तो वॉलंटरी भी हो सकता है, मतलब खुद से कर लो, या फिर ट्राइब्यूनल भी ऑर्डर दे सकता है। पर सर वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल कौन से केसेस में करता है, 5 केसेस जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला सर अगर एलएलपी डिसाइड करता है कि मेरे को वाउंड अप कर दो और ट्राइब्यूनल को कहता है तो ट्राइब्यूनल आपको वाउंड अप कर देगा। दूसरा सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 6 महीने से ज्यादा आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम है तो आप पर्सनली लाइबल तो होगे, साथ में ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप भी कर सकता है। तीसरा सर अगर एलएलपी ने अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम किया, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट तुम जनहित में काम नहीं कर रहे हो तो तुमको डिसॉल्व कर देंगे। चौथा सर अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न 5 साल तक लगातार फाइल नहीं किया तो तेरे को बंद कर देंगे। और लास्ट ट्राइब्यूनल लगता है कि इट इज जस्ट एंड एडिक्वेट टू वाइंड अप, जस्ट एंड एडिक्वेट मतलब बस यूं ही हमको ठीक लग रहा है तो वाइंड अप कर देगा। 5 रीजन, एलएलपी तूने खुद बोला या लास्ट पॉइंट ट्राइब्यूनल को जस्ट एंड इक्विटेबल लगा। उसके बाद अगर आपका पार्टनर्स 2 से कम हो गया, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का इशू है, या फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ एनुअल अकाउंट या एनुअल रिटर्न 5 साल तक लगातार 5 साल तक फाइल नहीं किया तो ट्राइब्यूनल आपको वाइंड अप करने का राइट्स लगता है। उसके बाद सर लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट एक चीज बचता है कि दोस्तों एनहांस्ड पनिशमेंट क्या है। अगर आप एक ऑफेंस दोबारा करते हो 3 साल के अंदर करते हो तो उस केस में जो भी फाइन लिखी हुई थी ना वो फाइन डबल हो जाएगी। सर क्या लिखा है, अगर कोई भी इंसान सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो जो भी फाइन लिखा था फाइन डबल हो जाएगा, पर आपका जेल वैसा का वैसा रहेगा, जेल डबल नहीं होगा पर फाइन विल बी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड। सर उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका कंपनी और एलएलपी के बीच का फर्क, और उसके बाद आ जाता है आपका पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का फर्क। सर पहले पार्टनरशिप वाला पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना सर, पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का फर्क क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनो।
सर कैसा लगा तुमको रिवीजन? पूछता हूँ, रुक जाओ, पहले एलएलपी और पार्टनरशिप का फर्क समझते हैं। सर एलएलपी और पार्टनरशिप में बेसिक बेसिक फर्क समझना। पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसके लिए एलएलपी एक्ट है। मेरे को बताओ ये बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पर आपका एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर ये है। सर रजिस्ट्रेशन इधर वॉलंट्री है, तुम करवाना चाहो तो रजिस्टर करो, पर यहाँ पे मैंडेटरी है। सर परपेचुअल सक्सेशन यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है। सर सफिक्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना है, यहाँ आपको एलएलपी लगाना है। लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम के लिए लायबल हो जाता है, पर यहां एलएलपी के केस में पार्टनर लायबल नहीं होता है फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर यहां पे कोई प्रोविजन नहीं है, यहां पे होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो मिनिमम दो होंगे जिसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। सर कॉमन सील यहां पे तो कॉमन सील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहां पे कॉमन सील रखना चाहे तो रख सकते हैं। लीगल कंप्लायंसेस की बात करूं तो यहां पे सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। सर एनुअल फाइलिंग यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर यहां पे एसएएस और एनुअल रिटर्न दोनों भरना पड़ता है। फॉरेन पार्टनरशिप यहां पे पार्टनर नहीं हो सकता, यहां पे बन सकता है। फॉरेन एलएलपी पार्टनर इसलिए बन सकता है क्योंकि फॉरेन एलएलपी इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो पार्टनर बन सकता है। सर माइनर पार्टनर यहां पे बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है, पर यहां पे बेनिफिट्स के लिए भी अलाउड नहीं है। सर आपको इसमें से लास्ट के जो 6-7 पॉइंट्स है ना, मोस्टली वो याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर के तो बच्चे वाले पॉइंट्स है, पर सर आप इनको याद रख लोगे। और कंपनी की भी सिमिलर बात करें सर, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कंपनी के केस में इंपॉर्टेंट क्या है सर? इधर देखो सर, कंपनी जो है इंटर कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है, ये एलएलपी अग्रीमेंट से गवर्न होता है। सफिक्स में आप प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाते हो, यहाँ पे आप एलएलपी लगाते हो। पार्टनर्स या मेंबर्स यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, प्राइवेट पब्लिक में 7 मेंबर होते हैं, और प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होते हैं। पर यहाँ पे सर मिनिमम 2 की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सर लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, पर यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड हो सकती है टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। सर मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, यहाँ पे डीपीज मैनेज करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर्स प्राइवेट में 2 होते हैं मिनिमम, पब्लिक में 3 होते हैं, पर यहाँ पे मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे वापस से लास्ट के 4-5 पॉइंट आपके लिए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो पानी कम चाय है। सर दैट्स इट, दैट्स अ मेगा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ योर होल चैप्टर कम एलएलपी। आई होप यू थॉरली एंजॉयड दिस सेशन। दोस्तों जाते जाते बस आपको एक छोटी सी बात का कहना चाहूंगा, जो मेरे तरफ से आप लोग यूं समझ लो आपका डेली डोज ऑफ मोटिवेशन है, जो मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में आपको एंड में मिले। When you are studying, we tend to fail to realize the importance of our parents in this journey। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको ये बहुत ज्यादा लगता है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारी लड़ाई है, पर आप लोगों को वक्त ये सिखाएगा कि ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की भी लड़ाई है। जब आप एक बंद कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, तो शायद अपने मम्मी पापा अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं कि बाहर वो अगर टीवी ना देखे, या टीवी देखे भी क्योंकि वो अति से बोर हो रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है तो वो टीवी कम वॉल्यूम पे देखे। शायद आपकी वजह से वो कुछ फैमिली फंक्शंस ना अटेंड करें, शायद आपकी वजह से वो कहीं जाए ना जो उनका मन हो, शायद आपकी वजह से वो भी तो ट्रिप्स प्लान नहीं कर पा रहे, शायद आपकी वजह से आप ही के तरह वो भी तो घर पे बैठ रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सीए के जर्नी में ना, पूरे पूरे जर्नी में आप एक चीज कमाते हो, वो है जब आप रिजल्ट्स आते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स के चेहरे में जो चमक होती है, दैट इज समथिंग विच इज यू अर्न। उसके अलावा पैसे तो 100 लोग कमा रहे हैं, 100 तरीके से कमा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वॉट यू अर्न इन द आईज ऑफ योर पेरेंट्स इज समथिंग दैट यू ट्रेजर, जो आप उसको बचा के रखोगे बड़े लंबे समय के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने टेबल के सामने अपने मम्मी पापा का फोटो लगा के रखो, और ये बोलो कि मेरे को ये अपने लिए नहीं, मेरे को उनके लिए करना है। क्योंकि क्या होता है यार, मम्मी पापा एक ऐसी चीज है ना, कोई चीज हम अपने लिए करें तो शायद हम थोड़ी सी ढील छोड़ भी सकते हैं, पर जब हम कोई चीज मम्मी पापा की खुशी के लिए करें ना, तो हम शायद ढील ना छोड़े। तो इसलिए आप ये रियलाइज करो दैट यू ओ दिस अटेम्प्ट टू योर पेरेंट्स, दिस इज नॉट योर रिजल्ट्स, इट इज योर पेरेंट्स रिजल्ट्स, and you want to make them pass with a lot of good marks and with a lot of bright and happy faces, and for that you have to spend your day and night into your studies। sir main apne taraf se aapko mere se jo ban paye wo main kar raha hu aur aakhri din tak karta rahunga, aapko mere se kya nahi milega, you will get everything, but at the end of the day agar mere 1.5 ghante ke llp ke revision ke piche agar aap apna 2-3 घंटा नहीं दोगे आज के दिन में, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस रिविजन्स, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ओन प्रिपरेशंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, यू विल स्कोर वंडरफुल एंड यू विल डू ग्रेट। ठीक है, एंड यू विल डू वंडरफुल, देर इज नो क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट, यू आर डूइंग टू डू वंडरफुल, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप गोइंग
कंसिस्टेंटली एंड बी वेरी पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू नेल इन दिस अटेम्प्ट। नीचे कमेंट पे अपने लिए दिल से लिख के जाना, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट, ये जरूर लिख के जाना। और साथ साथ में मेरे को एक बार लिख भी देना कि सर आपको ये रिविजन लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और आगे आने वाले रिविजन लेक्चर्स उसी तरीके से मैं अच्छे से करवाता रहूंगा। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। I will see you in the next session. Until then, take care. This is your CA Buddy Shubham Singhal signing off. Bye-bye. Have a good day. Great day. Bye-bye.